to Big Boss 17 live review mere saath Andy. Okay guys, so aaj wow looking so wow, like Big Boss ka kya halat ho raha hai, wo wow to nahi lag raha hai, bow lag raha hai zyada, but let's continue with this. Sana subah nahi, shayad jab bhi wo so rahi thi tabhi dikhi hai ki jab usne soya tha wahan pe kukdukoo baja tha, uske baad Sana gayab. Kya Sana is ghar mein hai? क्योंकि मैं सच में मैं ढूंढ रहा था सना को और मुझे सना कहीं नहीं दिखी. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? एनीवे आगे बढ़ते हैं. तो जिगना का चाय का डब्बा मिसिंग है, मुन्ना की चड्डी में ढूंढिए, क्योंकि वहां पे कॉफी का डब्बा तो था, तो चाय का डब्बा भी वही मिलेगा ना. आई डोंट नो, शक्कर शायद पीछे की तरफ मिलेगी. एनीवे मूविंग ऑन, तो मम्मी की सिखाया है सेविंग्स एंड ये सारा जो भी चल रहा था सुबह चाय के बारे में, कॉफी के बारे में, कहीं ना कहीं चाय चोरी करी गई है क्योंकि कॉफी चोरी करी गई थी, तो ये रिवेंज गेम है, अगर तुम लोग हमारी कॉफी लोगे हम आपकी चाय ले लेंगे. और पूरा का पूरा पैकेट ही चपाए देंगे और थोड़ा थोड़ा कर करके आप लोगों को देंगे. आई थिंक ये गेम थोड़ी अंडर द बेल्ट गेम चल रही है, बहुत बकवास गेम है. मतलब लोगों को चाय पीने दो यार, पागल हो क्या? आई डोंट नो, पूरा का पूरा मुझे पागल लग रहा है. तो फिर आते हैं मुनव्वर के कुत्ते के पिल्ले वाले कमेंट के ऊपर. देखो, एट द एंड ऑफ द डे जबकि मुनव्वर अपनी माइंड गेम्स खेल रहा है कि मैं अभी दूसरे कमरे में जाऊंगा, कुत्ते का पिल्ला बोलूंगा ताकि उनको पता चले कि मैं उनको ही डायरेक्टली, मुझे पता है कि उन्होंने ही कहीं ना कहीं चोरी करा ये सामान, तो मैं डायरेक्टली आपको मुंह पे जाके गाली देऊंगा और आपको खानी पड़ेगी क्योंकि आप झूठ झूठ बोलेंगे कि आपने वो पराठे नहीं चोरी किए और खाए. पर अनुराग छोड़ो, अरुण इतना थोड़ा, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस बट कुछ भी कहो, ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो पूरा जो ये परांठों का जो भी हलचल मची थी घर के अंदर, वो क्या थी, क्या थी वो? मतलब परांठे लिए गए हैं समझ में आया है, मुनव्वर ने आके उनको कुत्ते का पिल्ला बोला, खानदान के ऊपर गाली दी. देखो, आप डायरेक्टली अरुण को गाली दे दो, मुंह पे आके बोल दो, उनके बाप को क्यों गाली देनी है, पहली बात ये. दूसरी बात ये कि जो भी हुआ है, मुझे मुझे हमेशा वेटिंग में होता हूँ, जैसे क्यू में ना, जैसे आप वेट करते रहते हैं टिकट खरीदने जाते हो या टॉयलेट की क्यू होती है, जहां पर भी क्यू लगता है ना, जब तहलका और अरुण स्क्रीन पे आते हैं मुझे लगता है मैं वेटिंग में खड़ा हूं, क्योंकि मैं हमेशा वेट करता रहता हूं कि ये दोनों जो वो बोल रहे हैं वो करके बता दें. मतलब ये दोनों जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ये डे वन से भाई ऐसा ही बकवास कर रहे हैं, डे वन से ये कह रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, पर करोगे कब? आई हैव टू से मुनव्वर ने इन दोनों को चबा डाला, दोनों को एक साथ ही हक थू कर डाला, मतलब उस बंदे ने आके इनको छन्नी छन्नी कर दिया और ये दोनों कुछ नहीं कर पाए. तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, ये क्या खिलवाड़ है बिग बॉस की गेम के साथ, ऑडियंस के साथ? इन दोनों को इस घर से निकालो क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बस सिर्फ बोलेंगे कुछ करेंगे नहीं. आज तो अनुराग ने बोला ना कि आप फटोगे कब, फटो ना, हम भी तो वही चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ करें, एटलीस्ट अपने हित में बोलो भाई. अगर आपको गाली लगी है तो वहां जाके आपने बोला, चलो अरुण ने जाके बोला हाँ मैंने खाया, मुझे कैसे तुम कुत्ता बोल सकते हो? अरे तुमने लेके खाके उसके बाद गाली भी खा ली, उसके बाद फिर क्या फायदा था? तुम भी अपनी कोई रचना रचो ना, अगर वहां पे आपने चोरी की थी, अब अपनी कोई रचना करो, अपना थोड़ा आप भी दिमाग इस्तेमाल करो, आप भी थोड़ा लड़ो झगड़ो और कुछ ऐसा करो जो हमें एंटरटेन करे. पर आप वैसे नहीं कर रहे हैं, फिर आप रोना शुरू कर देते हैं घर में बैठ के भाई ये जिल्लत की जिंदगी हमें नहीं जीनी है, इससे बेहतर तो हम घर से बाहर जाके कुछ ऐसा करें. अरे भाई क्या करोगे आप, आप करते क्या हो मुझे वो बताइए. आप अपने बिस्तर के बेड के ऊपर बैठ के आप खाना खाते हो, आप गेमिंग करते हो और खाना खाते हो, पाते हो, शायद कभी कभी उठ जाते हो हगने के लिए, नहाते तो नहीं हो तीन तीन दिन तक, तो ये आप करते हो, तो बाहर जाके आप यही करने वाले हो ना,
और क्या कर लोगे मुझे वो बताइए। तो अनफॉर्चुनेटली जितना ये बोलते हैं, जितना ये दिखाते हैं, जितना ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये बिग बॉस में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे भी जाके कुछ नहीं करेंगे। और ये जिल्लत की जो मतलब गालियां आपको मिल रही हैं, वो आपकी करतूतों की वजह से मिल रही हैं अरुण जी। तो अगर आप कुछ करेंगे यहाँ पे, शायद आपकी इज्जत यहाँ पे सीधी हो सकती है। क्योंकि अगर आप जिल्लत की गालियां खा के यहाँ से रवाना हो जाते हैं वॉलंटरी भी, क्या वो आपको बाहर जाके अच्छा लगेगा कि सब बोलेंगे ये लूजर है बंदा, कुछ नहीं कर पाया, फिर इसने वॉलंटरी लेके निकला। उसके बाद अनुराग ने जाके मुनव्वर को अच्छे वे में बोला था। देखो अनुराग तो मुझे हरगिज पसंद नहीं है जो भी है, पर आज एटलीस्ट अनुराग ने जो जाके बोला उसको फील हुआ कि भाई वो जो अनुराग है, अनुराग बोल रहा हूँ, अरुण बोल रहा है कि मुझे यहाँ से निकलना है, और उसने वो फील किया कि भाई ये अच्छा नहीं हुआ इसके साथ, तो मैंने मुनव्वर जाके, पर जो जिस तरीके से मुनव्वर को जाके भी अनुराग ने कुछ बोला, वहां पर भी मुनव्वर ने उसको खा डाला। इन मतलब मुनव्वर उन तीनों के ऊपर भारी है, बताओ। मतलब ये तो फिर घोर बेइज्जती हो रही है यूट्यूबर्स की, जिनमें से मैं भी एक हूं बाय द वे, क्योंकि मैं तो भी यहां बैठा हूं ना यूट्यूब पे। तो पॉइंट तो ये है ना कि ये क्या सीन है, ये तीन इतना कुछ बोल बचन करते हैं पर खाक में मिल चुके हैं इस गेम में, और एक मुनव्वर उन तीनों के ऊपर भारी है। एक मुनव्वर उसके शब्द ही उतने काफी हैं कि इनको साइड में, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब आज ऐश्वर्या जो एक पूरी तरह से चुड़ैल मत कोई बोलना, चुड़ैल मत कोई बोलना, अगर चुड़ैल बोलोगे तो शायद वो अपने ऊपर आ जाएगी। जिस तरीके से उसकी आंखें, ऐश्वर्या की आंखें निकल आती हैं और उसके बाल ऐसे फैल जाते हैं, तो कोई भी सोचेगा ना कि चुड़ैल है। हाँ चल 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 चल, सोचो अगर कोई अंधेरी फॉरेस्ट में, वन में ऐश्वर्या उस रूप में आ जाए तो आपको सच में लगेगा कोई है। चल 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 चल। I just have to say, oh my God, ऐश्वर्या। But point तो यही है ना कि अनुराग और अरुण और तहलका, तहलका प्लीज यार ये नाम बदल दे, ये प्लीज नाम बदल दे, ये तेरे लिए नहीं है भाई, तू मत कर, तू मत ले, इस लफ्ज को खराब मत करो, इस अल्फाज को खराब मत करो प्लीज, क्योंकि आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जहां पे आपने कोई भी तहलका का ट भी करा हो, सॉरी टू से। एनीवे चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो और क्या हुआ था, चलो आते हैं। टी स्मगलिंग तो हो चुकी है वहां पे, जिस तरीके से देखो देखो ऐश्वर्या को चुल है, लड़ाई की चुल है, 100% है, उसको गुस्सा चढ़ता है, उसके बाद उसको किसी के साथ लड़ना होता है, और इजी टारगेट बेचारा नील है, वो नील को तो पता भी नहीं होता कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, अब क्या करना है। वो बेचारा कहता कि मेरे ऊपर चिल्ला मत, फिर वो कहते मेरे ऊपर चिल्ला मत, तू मेरे से मत बोल, फिर वो कहते तू मेरे ऊपर मत बोल, फिर वो कहता है कि ऐसा मत कर, वो कहती है वैसा मत कर, वो कहता है तू ऐसे कैसे कर सकती है, वो कहता है मैं कैसे कर सकती हूँ, मतलब सेम टू सेम चीज, और एक के ऊपर एक के ऊपर, मतलब इतना मतलब पागलपन हो जाता है, मुझे तो हंसी आती है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये सीरियस फाइट नहीं है, ये आप लोग नहीं समझ रहे, मुझे पता ही क्या, ये बस ऐश्वर्या का फ्रस्ट्रेशन है जिससे उसको पता नहीं मैं इस फ्रस्ट्रेशन के साथ क्या करूं, कहां इसको डालूं, कैसे बोलूं, उसको कुछ खबर नहीं होती, उसको बस है कि मुझे बस अपना वो जैसे जैसे कुकर की सीटी बजती है ना, उसको कुकर की सीटी का उसको अपना एग्रेशन निकालना ताकि वो उसका स्ट्रेस निकल जाए, और उसको उसके हस्बैंड को ये भुगतना पड़ता है, पर हस्बैंड को अभी तक ये नहीं पता कि यही है, पर उसको पता भी है पर नहीं भी पता है, क्योंकि जब वो लड़ना शुरू करता है उसके साथ वो शुरू हो जाता है पट 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 पट, पर एट द एंड ऑफ इट उसको पता है कि भाई मेरी बीवी ऐसी है, तो तू पहले ही समझ ले, तो चुप कर ले साइड में बैठ जाए, नहीं नहीं दोनों के दोनों मुझे तो बहुत फनी लग रहे हैं ऐश्वर्या और नील, इनके इनका रिश्ता बड़ा क्यूट भी है, बड़ा इरिटेटिंग भी है और बहुत फनी है, मुझे तो बहुत फनी लग रहा है जिस तरीके से इन दोनों की लड़ाइयां होती हैं, और उसके बाद
उसके बाद जब उसने उसको गोदी में उठा के और वो ये कर, ये कौन सा कॉमेडी शो चल रहा है? ओह माय गॉड इज सो फनी. मतलब ये क्लासिक आइडियाज हैं, अगर कपल्स घर पे बैठ के उसको साथ में देखेंगे ना, वो शायद अपनी झलक इनमें देख लें और वो इतना हंसेंगे ना कपल्स के, भाई हम भी ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे हैं भैया, आई मीन तू ऐसा है नहीं, तू ऐसी है नहीं, मैं ऐसा हूं नहीं, मैं ऐसी हूं. कुछ भी उनका शुरू ऐसे होता, इट्स टू गुड. आई लव इट, आई लव इट, आई लव इट. चलो ठीक है, आते हैं, चलो नॉमिनेशंस पे आ जाते हैं, क्योंकि आई थिंक ज्यादा हमें समर्थ और ईशा के ऊपर बात करनी नहीं है. मतलब ईशा और समर्थ का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पता नहीं क्या कहलाता है यार ये समर्थ. और मुझे तो यकीन नहीं है अभी तक वो उसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो लगता है उसका बेस्ट फ्रेंड है और उसका बेस्ट फ्रेंड का इंटरेस्ट कहीं और है. वो मेरा खुद का स्टोरी है, मैं बिल्कुल गलत भी हो सकता हूँ, पर वो मेरा स्टोरी है. बट मैं यहाँ पे ये सिर्फ ये बोलना चाहूंगा आप लोगों को कि समर्थ और ईशा, ईशा ने बता दिया कि सेकंड प्रायोरिटी मेरी अभिषेक है. भाई तू पागल है क्या ईशा, ऐसे ही बोलती है ना ईशा, भाई तू क्या बोल, अरे चिंचो शट अप ईशा, मतलब तुम पागल हो क्या, तुम अपने बॉयफ्रेंड को पहला प्रायोरिटी रख ले हो, और वो भी क्योंकि तुम्हें रखना पड़ रहा है. मुझे नहीं लगता कि समर्थ एक्चुअली ईशा का पहला प्रायोरिटी है, मुझे लगता है समर्थ को छोड़ के अभिषेक ही उसका पहला प्रायोरिटी है, एंड दैट्स अ फैक्ट, इट्स लुकिंग लाइक दैट. एंड इस वजह से समर्थ इनसिक्योर हो रहे हैं, इस वजह से समर्थ गुस्से में आ जाते हैं, समर्थ उसको समझाने की कोशिश करते हैं पर वो सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि वो समर्थ की इंटेलिजेंस परख चुकी है और ईशा को लगता है कि समर्थ की इंटेलिजेंस उससे कम है. ये मेरा डिकोडिंग है इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से ईशा अपने मुंह बनाती है ना, कि जब भी कोई एडवाइस समर्थ उसको देना चाहता है, ईशा ऐसा मुंह बनाती है जैसे कि अब मुझे पता है, तेरे से ज्यादा पता है. तो अगर आप अपने बॉयफ्रेंड की इज्जत, उसकी इंटेलेक्ट की, उसकी एडवाइस की, उसकी बातों की इज्जत नहीं करती है, तो इसका मतलब आप बंदे की इज्जत नहीं करती है. इसका मतलब है आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और वो बंदा गलत है. और ये बहुत साफ से दिखता है कि समर्थ की जो इज्जत है वो ईशा की आंखों में शून्य है, वो दिख रहा है. तो इस वजह से मुझे लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है. एनीवे आगे बढ़ते हैं. चलो जिन जिन आ गए हैं कल, तो दिल वालों को हमने खाना खिलाया बहुत सारा जिन ने, तो चलो ठीक है, आज भी जिन नॉमिनेशंस में आते हैं. और कहते हैं कि घर वाले जो हैं हमारे, अलग अलग जो 3 घर हैं उनमें से दो दो लोगों को, नहीं दो दो लोगों को नॉमिनेट करा जाएगा, और आप आपसी सहमति या ऐसे सोच के आप कर दो जो भी आपको करना है. तो दो दो नाम निकालते हैं. तो जिस तरीके से आई थिंक इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि अलग अलग घर कैसे वोट कर रहे हैं. पहला जो दिल का घर था, वहां पे साफ साफ सी बात थी, सबने अपना नॉमिनेशन किया, जैसे नॉमिनेशंस होते हैं वैसे किया ना. जैसे ऐश्वर्या ने बोला विकी और अंकिता, नील ने बोला आई थिंक विकी और अंकिता ही था आई थिंक, एंड फिर और कौन था, अरे मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा है यहाँ पे कहीं पे. हाँ तो उन्होंने जिस जिसको नॉमिनेट करा, चलो ठीक है, हमें पता है कि कौन नॉमिनेट हुए हैं, अंकिता, ऐश्वर्या और नील, ये तो होना ही था. पर सरप्राइजिंग नॉमिनेशन जो था वो ऑब्वियसली अंकिता, बहुत झटका लगा जब इसको नॉमिनेट किया, अभिषेक ने भी इसको नॉमिनेट किया, उसको लगा तो वो तो बिल्कुल सेफ है, सब किसी और को करेंगे, मुझे तो नहीं करेंगे. दो दो नाम अगर लेने हैं तो वो अभिषेक और नील के ही लेंगे. तो अंकिता तो आगे जासे में उसको लग रहा है ये क्या हो रहा है, मैं भी फंस गई, वाह रे वाह, व्हाट इज दिस नॉनसेंस. चलो ठीक है, मैं बहुत खुश हुआ एक्चुअली जिस तरीके से अभिषेक और ईशा ने अंकिता को नॉमिनेट किया और सामने से बोल दिया जो उसको बोलना था. एंड अभिषेक का थिंकिंग बहुत क्लियर था कि नील और विकी के साथ मेरी बनती है और आप दोनों के साथ नहीं बनती है, और ईशा को तो मैं नहीं करूंगा, तो ही इज वेरी क्लियर, उसका बहुत क्लैरिटी है इसमें. तो अंकिता कुछ बोल नहीं पाई ना वहां पे, तो ऐश्वर्या भी नहीं बोल पाई. और फिर ऐश्वरी अंकिता ने जब ईशा से पूछी ये क्या बात है, मैं तू तो मेरी छोटी बहन है ये वो, अरे अपना बड़प्पन आपने दिखाना था अंकिता, क्योंकि आपने ईशा को नहीं किया, सामने से बोल के नहीं किया ना, मैं तू तो अभी तक मेरी बहन है, मैं तो तुम्हें अभी तक मेरे फील नहीं आया. अरे तू फील क्या कर रही है, तू कर ना उसको नॉमिनेट,
अगर तुम और नील का अच्छा चल रहा था, तुम नॉमिनेट करती ईशा को जब उसने सामने से तुम्हें किया। अब अपनी अपने बेड बनाइए, अब उसमें अच्छी तरह से सो लो। आई मीन इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू, बट व्हाट आर यू डूइंग। आई डोंट थिंक अंकिता को ये पता भी है कि वो कर क्या रही है। वो किसी वो जाके इतना इमोशनल हो जाती है मुनव्वर के साथ जाके, अपनी ही पति की बुराइयां करके। व्हाट इज शी डूइंग? मुनव्वर की तो गेम चल रही है विकी के अगेंस्ट। उसकी खुद की बीवी जाके उसकी सारी चीजें सुन लेती है कि, और फिर आके रिंकू जी भी आ जाती है अपने भी थोड़ी दो बातें करने। हाँ, मैं भी अपना 2 रुपए रखूंगी। हाँ मुनव्वर क्या बोल रहा है? हाँ, जो तू बोल रहा है मैं उसको आके और केरोसिन भरूंगी उसमें। हाँ, तूने चिंगारी लगाई है ना, मैं अब पेट्रोल भरूंगी। अच्छी तरह से अंकिता का माइंड फ्राई करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे स्वाहा। आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? मतलब इट्स क्रेजी। क्या मुनव्वर ने रिंकू के साथ कोई पैक्ट बनाया है कि हम दोनों साथ में ऐसे ऐसे करेंगे, सबका दिमाग खराब करेंगे साथ में बैठ के, और फिर बाद में हंसेंगे, या फिर बाद में हम आगे चले जाएंगे टॉप 5 में मुझे पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ तो है। तो ठीक है, फिर उसके तुरंत बाद अंकिता जाके विकी से लड़ना शुरू कर देती है, और विकी कह रहा है कि भाई मुझे तो समझ नहीं, मैं क्या करूं, मैं तेरे से बात करूं, तेरे से ना करूं, मैं हंसू या रो, मतलब मैं टट्टी करूं या पेशाब, क्या करूं, मतलब क्या करूं, मतलब मुझे क्या? वो बंदा पूरी तरह से फंस चुका है, उसको ये नहीं पता कि क्या करना है। अगर वो कदम क्या कहते हैं, आगे आगे खाई पीछे कुआं, ऐसा कुछ है ना, वो ऐसा ही है उसका सिचुएशन। बहुत फनी है बेचारा बिगी, वो भी बेचारा, वो बिल्कुल नहीं है किसी के साथ भी, पर अंकिता के साथ वो बेचारा हो जाता है। कोई बात नहीं। फिर आते हैं दूसरा घर जो भी था, दूसरा घर भी काफी फनी नॉमिनेशंस हुए उनके। अरुण अरुण और तहलका। तहलका तो लगता है उसने कुछ किया ही नहीं है घर के अंदर, जो मतलब दंड दंड लायक है, जैसे उसने लोगों को जितनी मारी मारा है घर के अंदर, उसको लग ही नहीं रहा ये तो बंदा गलत है। अनुराग ने मेरे से तो गलत बोल दिया। अरे तू पागल है क्या? तूने तो इतने लोगों को उठा उठा के मारा है, इतनी बार तू चार्ज किया, इतनी चीजें उठा के मारने की कोशिश की है भाई। तू 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 अपने आप को देख रहा है क्या? जब तू सोने से पहले तो सोच लिया करके भाई आज क्या किया, लिस्ट बना लेकर, ताकि तो तुझे याद रहे कि तू क्या क्या रहा है। मतलब मिनट जैसे कि एक होती है ना गोल्ड फिश, जो मेलों में मिलती है गोल्ड फिश, वो एक बोल में रखते हैं ना गोल्ड फिश को, वो एक एक बार 2 बार घूमती है, वो उसकी मेमोरी उतनी होती है कि मैं यहाँ पे घूम के गई थी, और फिर वो आती है फिर से, मैं यहाँ से घूम के गई थी, फिर वो फिर से आती, मैं घूम के गई थी, मतलब उसका उतना ही होता है। मुझे लगता है कि तहलका भी वैसा है, मछली का दिमाग है उसका, मतलब इतना सा दिमाग है उसका कि वो एक कमरे से दूसरे कमरे से ज्यादा उसको ये याद नहीं रहता कि मैंने वहां जाके क्या किया था, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, और मैंने आगे जाके क्या करना है। मतलब भाई इट्स अमेजिंग, तहलका इज डेफिनेटली अ फॉर्टू, अग्रीड। ओके सो एंड अ बर्ड ब्रेन। ओके एंड चलो आते हैं हम लास्ट वाले घर पे, जहां पे मुनव्वर का ग्रुप, क्योंकि वही कह सकते हैं ना मुनव्वर का ग्रुप, दिमाग वाले ग्रुप। तो वहां पे बिग बॉस कितना कोशिश किया, हाय बिग बॉस की बुलाएं ले लूं, हाय बिग बॉस ने कितना कोशिश किया कि मैं दिमाग वालों को बचा लूं कैसे भी। पहले उन्होंने कहा, एक चांस तो दिया ना, कि अगर आप पूरी तरह से चुन लेते हैं जो 7 जन नॉमिनेट हुए हैं, फिर आपको नॉमिनेट नहीं करना होगा, और आप उनमें से और चुन सकते हैं जिनको आपको नॉमिनेट करना है, यानी कि सना, जिगना, नहीं जिगना तो है यहीं दसी, सना और कौन था, विकी। विक्की को तो नॉमिनेट करना था, कैसे बचेंगे या कैसे बचे बिग बॉस का वो चला नहीं। बेसिकली यहाँ पे मुनव्वर ने बोल दिया था ना कि आंगे तो क्या आंगे, फिर बिग बॉस ने बोला हाँ। तो पहले बार उन्होंने गलती की, फिर बिग बॉस ने कर चलो आपको फिर से मौका। अरे ये फिर से मौका वाला सीन कौन सा होता है? अच्छा आपने गेम बनाई, ये हमें मजेदार लगी, अच्छा वेरी गुड, पर फेयरनेस की दुकान खोल के रखो प्लीज, क्योंकि ये अनफेयरनेस की जो दुकान खोली रखी है ना, अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट वो नहीं रहता है कि हाँ, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। फिर ऐसे करते हैं हम, लिख के रख देते हैं क्या है, फिर आप बोल दो क्या लिख के। आई मीन इट्स स्टूपिड।
बिग बॉस क्या कर रहे हो आप, एक बार आप बोलेंगे दूसरी बार तो अच्छा नहीं लगता है, यू नो देन फिर खुद ही बोल दो ना कि यही बोल देते थे इस बार आपको हम नॉमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि 7 लोग ऑलरेडी नॉमिनेट हो गए हैं, क्योंकि हमें 7 ही करने थे इस वक्त कुछ ऐसे कर देते फिर अगर आपको ऐसे ही करना था. आई मीन वॉट इज दिस नॉन सेंस. मुझे एक्चुअली मैंने ये लिखा है वॉट इज दिस बिहेवियर बिग बॉस उर्फ पूजा मिश्रा, वॉट इज दिस बिहेवियर. एनीवे तो वहां पर भी फिर उन्होंने कौन से चुने, ऑफकोर्स सॉफ्ट टारगेट नावेद को चुन लिया, ऑफ कोर्स मनारा सॉफ्ट टारगेट को चुन लिया. बेचारी मनारा को कैसे चुन सकते हो आप, और वो भी जिग्ना और रिंकू जो बार बार जाके मनारा के साथ बैठते हैं और खानसादी की बुराइयां करते हैं, आज उनको खानसादी अच्छी लग गई क्योंकि एक शब्द के लिए जो वो शब्द जो भी बोला था वो भी गलत वे में लिया गया है. तो बेचारी मनारा, जस्टिस फॉर मनारा, मैं तो कहूंगा जस्टिस फॉर मनारा डेफिनेटली. इसका प्लीज ट्विटर पर जाके हम इसका करते हैं. चलो मैं अभी करता हूं शुरू. ओह माय गॉड, चलो लेट्स गेट चुगली गैंग मेंबर इन. वी हैव फोलमी विद अस राइट नाउ. आई होप के हमारे दूसरे चुगली गैंग मेंबर्स ठीक हैं. कोई आया नहीं आज, व्हाट हैपेंड, पता नहीं कहां मर गए जाके. आई होप दे आर कमिंग, लेट्स फाइंड आउट. बट तब तक आप फोलमी से हम बात करते हैं, पर उससे पहले कि हम फोलमी से बात करते हैं और पता करते हैं कि उनको क्या बोलना है आज के एपिसोड के बारे में, हमें आपको एक बात याद दिलाना है. प्लीज यहाँ पे लाइक कर लो स्ट्रीम को, और साथ ही आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा. हमारी कम्युनिटी ग्रो करेगी, हमारा चैनल ग्रो करेगा, और हम आपके लिए और भी बेहतर अमेजिंग लेके आ सकते हैं प्रोग्राम्स. आई वॉन्ट टू ट्राई एंड मेक प्रोग्राम्स फॉर यू दैट आर इवन बेटर, एंड वी ऑफर यू समथिंग न्यू, एंड फॉर दैट वी नीड मेंबरशिप, वी नीड सब्सक्राइब and likes. So please help us help make better content for you. Okay, Apollo me, kaisi ho? Sab kuch. Hi Andy. Aaj apne aap bhi khush hongi ki Manara nominate hui hai. But usse pehle ki aapse aapki puri khushi zahir kare, let's talk to Humi. Humi, thank you for the super chat. Marriage should have a level of respect for each other. Aishwarya is so rude to her husband. People call Vicky behavior, but hers is same level. I mean, honestly, अगर आप उस लेवल पे देखें, definitely कुछ ना कुछ ऐश्वर्या का सीन ना, उसका उसका ना जो फारा चढ़ता है ना, उसको उसको अपना स्ट्रेस निकालना होता है, और वो उसका स्ट्रेस रिलीज है ये, एंड इट्स नॉट ओके एक्चुअली. क्योंकि वो जिस तरीके से चिल्लाती है नील के ऊपर, इट्स एक्चुअली वेरी सैड. बट नील इज वेरी गुड एट डीलिंग विद इट. वो बहुत अच्छी तरह से सुलझा लेता. आई मीन ही नो शी इज जस्ट अ बेबी एंड शी इज अ बेबी. आई मीन उबर की बेबी नहीं है, दिमाग की बेबी है. तो यू नो चिल्ड्रन आर लाइक दिस, मम्मी दैट इज व्हाट यू नो. वो 3 साल के बच्चे ऐसे करते हैं ना, वो कुछ फेंक देंगे, थप्पड़ भी मार देंगे, कुछ मार दे, यू नो बच्चे ऐसे करते हैं. एंड शी रिमाइंड्स मी ऑफ अ टॉडलर. एंड वेदर दैट्स अ गुड और बैड थिंग, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. But definitely, hi Samriti, welcome. So let's have a look at UC. Thank you for the super chat. Thank you for being a member. I find Aishwarya fighting stuff funniest. Her ranting, I couldn't stop laughing each time today. What a character. It is fun when she comes on front. I know, even I agree. मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि मुझे इतनी फनी लगती है. Obviously, अगर मेरी पार्टनर ऐसी होती और ऐसे चिल्लम चिल्ली मेरे ऊपर करती, वो शायद 2 हफ्ते तक it will be over. That can I cannot deal with that kind of stress. It's meri life mein itna stress mujhe pasand nahi hai na. I can't. Main to bakri ban gaya. What to do? Bakri. What is this? Zach Boo, you're too kind. Oh my God, Zach Boo gifted 5 memberships today. Thank you so much, Zagbu. That's so sweet of you. Aap member bhi bane, aur saath aap, you're also bringing new members. That's so kind of you. Thank you. We all thank you from the Chugli Gang, and hopefully we can start doing some really good things really soon. We've got Samriddhi here. Samriddhi's a member for 4 months, but also the Chugli Gang, by the way. Also, I was the first member. This is true. You were the first member. क्योंकि मैंने इसको ही बताया था सबसे पहले कि मैं मेंबर बन गया हूं, और इसने मुझे एडवाइसेस दी थी कि मुझे कैसे कैसे लेवल्स बनाने हैं, और अगर आपको लेवल्स से कोई दिक्कत है ना, तो इसने बनाए थे मेरे साथ बैठ के. तो इसको 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 हेट मिल दो. नो आई एम जोकिंग, डोंट यू डेयर. समृद्धि, ही सेड हराम का, ओ माय गॉड,
क्या ये सच है? या एंडी, मैंने आपको चुगली गैंग में भी बोला था, ही सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, कुत्ते का पिल्ला इज स्टिल स्मॉलर देन दिस. आई थॉट कुत्ते का पिल्ला बोला है। नो एंडी, ओ लाइक कुत्ते का पिल्ला ना बहुत सारे असाधारण में भी बहुत बोल देते हैं, लाइक कुत्ता तो किसी को भी, पर कुत्ते का पिल्ला मतलब आपका बाप कुत्ता, दैट्स नॉट ग्रेट यू नो। बट अगर आप बोलेंगे आप हराम की औलाद हो, दैट इज आउटरेजियस। फिर अरुण कर क्या रहा है घर के अंदर? अभी क्यों नहीं सोफे गए स्विमिंग पूल में? अब टाइम था ना करने का वो कांड, करो ना फिर वो कांड, या फिर मुनव्वर का सारा सामान लेके आओ और उसको फाड़ो, कुछ ऐसा कर देना। गेट वर्ल्ड वॉर 3 इन बिग बॉस। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस बिहेवियर अरुण? इट्स एक्चुअली वेरी बोरिंग। नो, सलमान खान इज आल्सो फॉर मेंबर फॉर 4 months। वेलकम बैक एंड लव यू टू सी यू अगेन। ओ मेरे भी 4 months। हेलो, वेलकम वेलकम, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। ओके लेट्स गो स्टार्ट विद पोलोमी। पोलोमी तो करेगी बुराई हमारी बेचारी मनारा की। चलो लेट्स स्टार्ट। नहीं एंडी, पहले तो मुझे मुनव्वर वाली बात भी बोलना है। मुझे नहीं पता चला उसने क्या बोला एग्जैक्टली, बट मतलब उसको मैं साइड रख देती हूँ। मुझे मैं आंखें बंद कर ली मैंने अपनी, एक बट सेकंड एक मुझे सेकंड फॉलो मी, आई एम सॉरी, बट यहाँ पे अरन चीनी बोल्स भी अपना 4 महीने का मेंबरशिप दिखा रही है। सेम सी सलमान, मेरे भी 4 महीने, आई थिंक 4 months। हमारा मेंबरशिप भी 4 months ओल्ड है बाय द वे, जस्ट एवरीबॉडी नो। तो इस वजह से हमारे 4 months से ओल्डेस्ट कोई है नहीं, पर न्यू बैजेस जो आ मैं चुके किस हैं। कैटेगरी में आता हूँ आंटी? तुम कैटेगरी में नहीं आते हो क्योंकि तुम तो मेंबर ही नहीं हो। हाँ गलत बात आंटी, गलत एंडी की थोड़ी ना बात। गलत बात है। ह्यूमी ह्यूमी बिकेम अ मेंबर जस्ट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ मेंबर, सो अप्रिशिएट इट। वूहू, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। And look, we've got Anam. Everyone's coming out. Look, we have Anam also for 4 months. Oh my God, guys, thank you so much for supporting the channel. That's so amazing. Thank you, thank you, thank you to all the members that are 4 months old today, all the members that are 3 months old today, all the members that this Zagbu member for 1 month. Welcome. But But Zagbo has gifted 15 memberships till now. this is Yeah. amazing. I I super think more appreciate than it. 20 already कर चुका है। I don't. I'm really bad at this. Actually, today, Daljeet, where is Daljeet? Is Daljeet मैं here? दलजीत जोसान, मुझे कंप्लेंट आई थी ना, देखो आकाश बोल रहा है कि एंडी छपरी। ओके थैंक यू, आई लव छपरीज, आई लव इट। देखो जैज गुरा इज ट्रू, मेरे भी 4 महीने, दैट्स वेरी ट्रू। हाँ, हाउ टू गिव मेंबरशिप? ओ हू मे, आई एम नॉट श्योर, वी शुड आस्क। अच्छा लेट्स आस्क समृद्धि द टेक्नीशियन। ये भी आप ऐप से नहीं दे पाओगे, ब्राउजर से ही आपको वहाँ गिफ्ट मेंबरशिप, जहाँ पे सुपर चैट का ऑप्शन आता है ना, वहीं पे आएगा गिफ्ट मेंबरशिप, दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट, सुपर अप्रिशिएटेड। समृद्धि आपको सब कुछ पता होता है, शी इज लाइक आवर मैट्रिक्स में थी ना वो, व्हाट इज दिस, आई लव दिस लीली बू किटीज, मांग रही है जैकबू, आई नीड मेंबरशिप तो प्लीज। आई लव इट जैकबू। जैकबू ना हमारा ना ओरेकल बन चुका है जहां पे फ्री गिफ्ट्स मिलते हैं। वंडरफुल, आई अप्रिशिएट दैट। पारो नाग, आई एम अ सब्सक्राइबर फॉर 3 years। यस यू आर पारो नाग, अप्रिशिएट यू बींग अ मेंबर एंड ऑल आर मेंबर्स, थैंक यू फॉर बींग हियर। एंडी प्लीज आंसर माई सेकेंड मैसेज। व्हाट सेकेंड मैसेज में कहाँ से ढूंढूंगा? ओचे इज इट हियर? ओचे 1 second, माइट बी हियर समवेयर। सेकंड मैसेज आनम, आई कैन ओनली सी वन, आपका तो मुझे एक ही दिख रहा है मैसेज। ओके मे बी इट्स समवेयर एल्स, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। आनम व्हाइल आई एम चेकिंग टेक सपोर्ट, आनम 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 आनम, आई कांट फाइंड द अदर वन क्योंकि वो हाईलाइटेड नहीं है। ओह दिस हुमी देयर, न्यू मेंबर, देयर यू गो, लव एंडी, लव यू टू। Oh, there's a gift. What? Who's gifting who? Humi gifted. Oh, Humi gifted. Oh, that's so sweet, Humi. Like we're having. Here we go. Here we go.
Hey, gifted one membership. Thank you, Humi. That's so sweet of you supporting the channel like this. It's so lovely to have such an amazing community, guys, here. Right, Chugli Gang? Hamara itna amazing community है, and everyone's like so respectful of जो दूसरा बोलता है. हमारे यहाँ पे कितने अलग अलग views होते हैं. But I think that makes this channel and this community one of the best on YouTube. Thank you everyone for being a part of it, whether you're a member, whether you're a watcher, whether you're a liker. Whatever way you support the channel, thank you so much to everybody. So much love to you. Now, Polomi is ready and loaded, and let's go. ओके तो मुनव्वर ने जो भी बोला मैं उसको इतनी वो नहीं देती हूँ क्योंकि बोलते बोलते निकल जाता है कई बार. बट उसने बोला, अगर उसने वो बोला है जो समृद्धि ने बताया तो उसने गलत बोला, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स में कह रहे कि कुत्ते का वो बोला है जो भी उसने बोला है, बट गलत बोला है. बट मैं उस पर ज्यादा क्या ही बोलूँ, मैं गलत बोला है तो बोला है. बट जिन लोगों को ये कंप्लेन थी कि मुनव्वर क्यों नहीं खुल के खेल रहा है, सामने नहीं आ रहा है, पीछे की गेम है, तो आई थिंक आज उनके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी, क्योंकि वो आ गया है सामने, लड़ भी लिया है. जिनको चाहिए था कि मुनव्वर लड़े सामने से आकर, तो आज वो लड़ भी लिया है. आज उसने सब सामने की गेम सामने खेली है. अंकिता को भी जो उसने भड़काया, ऑल दो आई डोंट अप्रिशिएट, चाहे आपकी कितनी भी मैन्युपुलेशन की गेम हो, एक कपल अगर है वो भी मैरिड कपल, यू डोंट आप उसके बीच में नहीं करो, मतलब ये थोड़े से मॉरल्स होते हैं. बट ठीक है, अगर आप गेम के लिए कर रहे हो और अंकिता उसमें बह जा रही, तो देन इट्स अंकिता की फॉल्ट, क्योंकि मुनव्वर तो यहाँ गेम खेलने आया है, वो अपने मॉरल्स वगैरह सब ताक पे रख के आया है. तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो फिर नहीं सही लगा. बट अंकिता यहाँ पे वीक लगती, मुझे ये पर्सनालिटी वीक लगती, जब आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके सुन लेते हो बातें और वो मतलब बह जाते उन चीजों में, तो वहां पे मुझे वो सही नहीं लगा. बट मुनव्वर आज फुल फॉर्म में था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. अब मैं नॉमिनेशंस पे आऊंगी, तो नॉमिनेशंस ये हर बार होता है एंडी, जब भी जब सब लोगों को जब सब लोग नॉमिनेशंस बोलने आते हैं तो बड़ा सन्नाटा होता है, लेकिन जैसे ही विक्की आता है, नील और ऐश्वर्या को पता नहीं कौन सी आग लगती है, उनको तभी अपने सारे क्लियर करने होते हैं. जब ऐश्वर्या को बोला गया कि आप रीजन दो, तब वो रीजन के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन विक्की जब बोल रहा तब उनको सारे शब्द बोलने हैं. तो ऐश्वर्या की गेम ही है विक्की, और वो मतलब उनकी एक तो बोलने का तरीका मुझे पसंद नहीं, जिस तरीके से आज भी वो नील से बात कर रही थी मुझे वो बिल्कुल भी फनी नहीं लगा, क्योंकि विक्की को यहीं पे हमने बहुत कुछ बोला है, क्योंकि उसने एक दो बार अंकिता पे चिल्लाया है. तो आज जो ऐश्वर्या कर रही थी वो भी मैं फन में नहीं लूंगी, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. और वो बहुत बार करती है, ये हमेशा से करती आई है, बिग बॉस अभी दिखा रहे हैं, मतलब वही उनका कॉन्टेंट है, बच्चा कुछ नहीं है तो यही दिखा दो, ऐसा वाला सीन चल रहा है. तो मुझे नहीं कि वो ऐश्वर्या का तरीका फनी है, मतलब मुझे फनी नहीं लगा, मुझे वो बहुत ही बुरा लगा. नील हर बार संभाल लेता है, वो भी बात सही है, बट मतलब हर बार मतलब कितनी बार, फिर आप उसका उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं रख रहे हो, तो मुझे वो सही नहीं लगता. और ऐश्वर्या जिस तरीके से बात करती, वो चल 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 करना, मतलब ये वही तरीका है कि जब आपको जब आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते बोलने के लिए, तब आप ये वाला तरीके पे आ जाते हो, क्योंकि आपके पास एक भी पॉइंट नहीं होगा तो आप चल चल पे आ जाते हो. और जिस तरीके से मेरे को अंकिता से भी प्रॉब्लम है कि वो जो फेसेस बनाती है, चलते फिरते ताना मार देती है, दैट इज नॉट क्लासी. तो सेम मुझे ऐश्वर्य के लिए भी बोलूंगी कि अगर वो इतनी बड़ी वो है कि कलर्स उनको इतना फेवर कर रहा है अपनी बहू होने के नाते, तो फिर उनमें थोड़ा तो क्लास आई एक्सपेक्ट. और जिस तरीके से वो बात करती है, कंटेस्टेंट छोड़ दो अपने ही पति से, तो मैं तो बिल्कुल भी उसको सीधे नहीं लूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. यूके और तहलका का जो हुआ, मतलब ठीक है तहलका ने बुक किया, मैंने पहले भी बोला है कि तहलका को एक वार्निंग देनी चाहिए, क्योंकि वो दो बहुत बार हो चुका है कि वो चीजें फेंकना ये वो करना बहुत बार कर चुका है, तो थोड़ी सी उसको कुछ बोलना चाहिए. आज उसने कर दिया जो उसको जो उसने यूके के साथ लिटरली धक्का मारा, पर बिग बॉस निकालेंगे नहीं, क्योंकि कुछ तो भी फन दे रहा है तहलका, है थोड़ा 2% ही सही बट कुछ तो भी दे रहा है. बट यूके क्या कर रहा था, वो बार वो एक्चुअली चाहता ये है कि कोई तो हाथ उठाए, कुछ तो करे और निकले घर से, क्योंकि वो हमेशा इस चीज का मुद्दा बनाता है कि हाथ उठा. वो आज भी आ रहा था ना, वो आसिम के जैसे हाथ जोड़ पीछे हाथ करके कि आ आ मार मार मार, फिजिकल हो फिजिकल हो, और फिर जब हो रहा है तो फट जा रही है उसकी, तो कह रहा है कि अरे फिजिकल हो गया मेरे साथ, बिग बॉस मेरे साथ फिजिकल हुआ है, तो
मतलब ये उसकी गेम है बेसिकली कि मैं बोलूंगा आ आ आ प्रोवोक करूंगा, जब आएगा तो मैं बिग बॉस को चिल्लाऊंगा। तो इतनी ऑब्वियस गेम खेल रहा है यूके कि मतलब बोलने की हद ही नहीं है। ईशा ने जो नॉमिनेशन, मतलब क्योंकि मैं ये मिक्स कर रही थोड़ा सा ऊपर नीचे, क्योंकि ये बिग बॉस दिखा भी ऐसे रहे थे नॉमिनेशन के बीच में, यूके और उसकी लड़ाई भी दिखा रहे थे, तो थोड़ा सा मिक्स होगा। ईशा मुझे आज बहुत मतलब बड़ी सांप लगी, जो हम जिया के लिए बोलते थे सांप, ईशा है वो सांप, और वो विकी और अंकिता ने वो सांप पाल रखी है, आज उस सांप ने डस दिया है उनको। तो वो उसके बाद भी ईशा ने बहुत तमाशे करे, जब नॉमिनेशन के बाद वो वाला पार्ट दिखाया नहीं है, जब वो दूसरे रूम में जाके बोलती मेरे दिल में था तो मैं तो बोलूंगी ये वो, उसने बहुत कुछ बोला है। तो ईशा मतलब विकी यही समझाता था अंकिता को, बट अंकिता समझने की उसमें नहीं थी। आज विकी अंकिता के लिए फाइनली लड़ा, तो जो थोड़ा सा मुझे चीज उसमें अच्छी लगती है वो उसने दिखाया, क्योंकि अंकिता वो उससे तो तमीज से बात कर रहे थे, बट अंकिता पे नील चढ़ के गया, ऐश्वर्या उस पर चढ़ रही थी, तभी जब नील उस पर अपनी जैकेट वैकेट उतार के गया कि पूरा मैं पता नहीं कौन सा कांड कर दूंगा, तभी ऐश्वर्या पीछे से बोलती है चुड़ैल, और तब विकी उसके ऊपर गया कि तुम चुड़ैल कैसे बोल सकते हो, तो तुम चुड़ैल वाला। तो मुझे तो वो फाइट अच्छी लगी कि फाइनली उसने अपनी वाइफ का स्टैंड लिया, उसने बोला उसके लिए कुछ, और बिग बॉस ने भी हमको भाई थोड़ा सा दिखाया। इनफैक्ट लास्ट में भी जब अंकिता थोड़ी पिस्ट थी, थोड़ी इमोशनल थी, तो विकी वॉज देयर, तो ऐसा जो हम इतना वो है ना जजमेंटल कि नहीं विकी तो दुनिया का सबसे ही गंदा आदमी है, तो भाई उसमें भी थोड़ा सा दिल तो है। तो मुझे आज उसमें थोड़ा सा मतलब मैं चाह रही थी कि हर रिलेशनशिप में एंडी बुरा भी टाइम आता है अच्छा भी आता है, हमने आपका बुरा बहुत देख लिया, इट्स हाई टाइम कि अब हम आपका थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशनशिप में जो भी है अच्छे मोमेंट्स वो हम देखें। तो मुझे उनका वो पार्ट बहुत अच्छा लगा जब विकी उसको बोल रहा था कि आजा गोद में बैठ जाए एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट वो बहुत क्यूट था, उसको मैं क्यूट बोलूंगी। जो नील ऐश्वर्या के साथ डील कर रहा है वो मुझे कहीं से भी क्यूट नहीं लग रहा, मुझे वो बहुत ज्यादा बदतमीजी लग रही है, और ये बदतमीजी ऐश्वर्या की मैं पहले भी देख चुकी हूँ तो मुझे पता है। बिग बॉस ने दिमाग रूम को भाई बहुत ज्यादा ही चांसेस दे रहे, आपने भी बोला एंडी, बट ये बहुत ज्यादा हो गया अब कि आप उसको बोल भी रहे हो कि आप मतलब आपका नॉमिनेशन नहीं करेंगे, पर बिग बॉस का थॉट क्या है, मनारा मुनव्वर वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले आपके फेवरेट्स, तो ये जो आपने एक्स्ट्रास भरे हुए रिंकू जिगना इनको तो निकालो ना, उनको नॉमिनेट क्यों नहीं कर रहे आप नॉमिनेशन होने का अगर वो दोगे ही नहीं मौका कि आप में से कोई नॉमिनेट हो सकता है, तो फिर वो नहीं निकलेंगे आपके एक्स्ट्रा प्लेयर्स, तो उससे मुझे प्रॉब्लम है। और फिर आप उनको मतलब आप उनका जो फर्स्ट था ना एंडी वो भी गलत था, मतलब पहला उन्होंने यही सोचा था कि अब सना हुई होगी नॉमिनेट, तो पहला जो थॉट था उनका कि नहीं ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं सना बोलनी चाहिए, तो वो भी गलत था। तो बिग बॉस को एग्जैक्टली बताना पड़े रूम नंबर वन में से गलत है भाई आपका, उधर भी उन्होंने गलत ही चूज किया अभिषेक, तो उनका जो सोच था वो इतनी गलत थी। बस एक मुनव्वर का सही था क्योंकि उसने बोला था कि अंकिता हुई होगी, बट वोटिंग के चक्कर में उन्होंने उसका नाम ले लिया अभिषेक का, तो वहां पे भी वो गलत हो गए। आज भी ये सीन हुआ कि बिग बॉस बोल रहे थे और खानजादी नाविद से बात कर रही थी कि नाविद हाई फाई और ये वो, बिग बॉस तभी बता रहे थे कि तुमको दो दो लोग नॉमिनेट कर, तो आज तो बिग बॉस को गुस्सा आया नहीं, तो बिग बॉस का सिलेक्टिव गुस्सा है कि विक्की करेगा, विक्की सांस भी लेगा तो हमें गुस्सा आएगा, बाकी सब जो मर्जी करे हमें गुस्सा नहीं आएगा। मन्नारा के लिए आज मुझे एक्चुअली बुरा लगा क्योंकि मुझे रिंकू और जिगना बहुत ही, एक तो वो उनका कॉन्टेंट नहीं है, ऊपर से वो गधे लग रहे हैं। पहले आप हर जब भी इनकी लड़ाई होती है खानजादी और मन्नारा की, आप साथ देते हो मन्नारा का, और फिर आज आप उसको नॉमिनेट कर रहे हो वर्ड बोल के, तो फिर आपने खानजादी का साथ क्यों नहीं दिया पहले? और अगर आपको खानजादी इतनी सही लग रही आपने उसका साथ नहीं दिया, और अगर आपको वो गलत लगती तो आज नॉमिनेट क्यों नहीं किया? आज तो मौका था आपके पास। मन्नारा ने भी अपना दिमाग लगा के एंड मोमेंट को उसने चेंज कर दिया कि भाई मैं खानजादी को वोट करती हूँ, तो आपका कॉम्पिटिशन दिख रहा है कि आप किससे कम्पीट करो, बट रिंकू और जिगना को तो चीजें ही क्लियर नहीं है, तो ये तो पूरे एक्स्ट्रा से इनका होना ना होना मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुनव्वर ने बोला लास्ट में कि विक्की अपना उल्लू सीधा कर लेता है और अंकिता आप फंस जाते हो, दैट इज ट्रू, बट विक्की अंकिता को ये बात समझाता है कि तू अपना खराब मत कर, आज भी बोल रहा था कि तू अपनी गेम मत खराब कर, आगे का सोच कौन किस टाइम पे काम आएगा, बट अंकिता नहीं सुनती, वो चली जाती है दूसरों के बात बहकावे में आ जाती है। तो मुझे लगता है जो आज आप बोल रहे थे आंटी की वो हेल्पलेस है, वो करे क्या, एक तो बिग बॉस हर बात पे ताना मारते हैं, ऊपर से बीवी उसकी परेशान है तो उसको पता नहीं है कुछ क्या करे, बस आज मुझे यही लगा। और जो समर्थ का लास्ट में वो जो ब्रेक डांस करते करते वो ईशा से लड़ रहा था वो बहुत ही फनी है, उन दोनों को
आप देखो एंडी, इन सब तमाशे के बीच में कौन बच गया? ईशा, अभिषेक, समर्थ, जो हमें बिल्कुल नहीं देखने, वो तीनों बच गए। रिंकू, जिग्ना, जो हमें नहीं देखने, जो खाना पका रही घर में, मुझे नहीं देखना इन लोगों, वो लोग बचे हुए। तो बिग बॉस, आप सोच लो आपकी गेम कहाँ जा रही है, जो एक्चुअली कॉन्टेंट दे रहा है। आप कह रही है कि वो बच गए, चलो ठीक है वो बच गए, बट एटलीस्ट तहलका, अरुण, वो सारे तो नॉमिनेट हुए ना, एटलीस्ट कोई तो है जिससे हमें नहीं देखना है वो निकले। हेमल, थैंक यू अगेन फॉर बिकमिंग, नॉट अगेन, थैंक यू फॉर द फर्स्ट टाइम, यू आर पार्ट ऑफ द एंटी फैम नाउ, वेलकम, वूहू, वी हैव अ न्यू मेंबर एंड वी हैव मोर एक्चुअली गाइस, लेट मी जस्ट गो टू इट क्विकली। वी हैव गॉट स्नेहा बंसल गिफ्टेड वन मेंबरशिप। स्नेहा, आप मेंबर नहीं थी, आपको शायद गिफ्ट किसी ने किया था ना मेंबरशिप अभी के अभी, आई थिंक जैगबू ने किया है नमन आपको, क्योंकि स्नेहा आपका मैसेज मैं हमेशा सबसे पहले पढ़ता हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले ही क्या कहते हैं वो कर देती हैं। देखो आई वॉच, सो स्नेहा इज वन ऑफ द फर्स्ट वंस दैट कमेंट्स ऑन ऑल ऑफ द पोस्ट, तो मैं आपका दे पढ़ता हूँ। तो आज ही आपको आपका मेंबरशिप ने नोटिस किया और मुझे लगा जैगबू ने आपको गिफ्ट किया और आपने फिर वो प्यार किसी और को दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस family and thank you for all of your support. Let's go to Anam, who's also a member for 4 months. Just want to remind everybody. Andy, my question, whether the drink during nomination has something to exaggerate aggression? No, nothing. Wo sharbat bhi nahi hoga, wo pani hoga jisme rang dala hai. That's all. It's nothing. It's bilkul fika hoga. Ya soft drink ho sakta tha, jaise ke wo Mountain Dew. You know, it's something like that only. कुछ ऐसा नहीं है कि वो ड्रग्स नहीं खिलाते लोगों को, that's against the law. You can't give people drugs. Anyway, वो definitely खुद इतने frustrated हुए हैं इस वजह से, they are all losing it on each other. Okay, are you done, Paulmi? Should we continue? Thank you so much. चलो समृद्धि, welcome. आज आपका शुभ समाचार क्या है? I don't have much to say, but जितना थोड़ा बहुत है कि ऐश्वर्या, अंकिता, नील, विकी इतने बकवास लग रहे हैं चारों के चारों, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी इज्जत मिट्टी पलीत कराने आए हैं। यहाँ पे अच्छे खासे इज्जतदार लोग थे ये चारों, यहाँ आके क्यों अपनी तहस नहस करा रहे हैं? ऐश्वर्या और नील मुझे तब तक सही लग रहे थे जब तक वो गंदे तरीके से नहीं लड़ रहे थे उससे बेडरूम में जाके, जब तक उसने अपनी जैकेट नहीं फेंकी, वो चुड़ैल चुड़ैल नहीं शुरू हुआ, मुझे उनके पॉइंट्स ठीक लग रहे थे। बट जब, क्योंकि अंकिता और विक्की का मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें क्यों जानना है किसी ने तुम्हें नॉमिनेट किया? उस 6 लोगों में से 2 लोगों को नॉमिनेट करना था तो तुम होने ही थे। अभिषेक और ईशा ने कोई पंगे नहीं लिए हैं ऐश्वर्या और नील से, तुम कॉन्स्टेंटली उससे पंगे लेते रहते हो, तो तुम क्यों समझते हो कि तुम हमेशा गुड बुक्स में रहोगे? तुम नहीं हो किसी की गुड बुक्स में, तुम नॉमिनेट होगे तो तुम नॉमिनेट हुए। इसमें इतना लड़ने झगड़ने एक्सप्लेनेशन मांगने की क्या जरूरत थी? और मैंने लाइव फीड वाले उस क्लिप में देखा था, वो अगले दिन ईशा से भी पूरे 4 घंटे बैठ के विक्की और अंकिता एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तुमने हमें क्यों नॉमिनेट किया? अरे एक्सेप्टेड, नॉमिनेट किया, मूव फॉरवर्ड नाउ। बट हाँ, ऐश्वर्या, ओ माई गॉड एंडी, आई थिंक शी इज अ लिटिल कुकू इन हर हेड, बिकॉज उसका कभी भी पारा ऐसे चढ़ जाता है वो पागल हो जाती है। एंड आई डोंट नो हाउ नील टॉलरेट्स हर, ऐश्वर्या इज वेरी अग्रेसिव एंड टॉक्सिक, आई वुड से पागल है वो लड़की, क्या करती है। और आपने अगर ट्विटर पे देखा हो तो वो जो एक बॉलीवुड बबल वाले हैं उनका ट्वीट था कि ये खतरों के खिलाड़ी में भी ऐसी ही थी एंड एवरीबडी न्यू अबाउट हर ये सब चीजें करने का। तो नील भैया, पता नहीं, मुझे लगता है इसके साथ रह रहे के भी नील का भी दिमाग खराब होता चला जा रहा है, इसलिए उसने भी वो हरकतें करनी शुरू कर दी। बट वो बेचारा बाबू बेबी करता रहता है और वो उस पर कितने गंदे से बात करती है अपने पति से, यू स्टूपिड, तू डोंट टच मी व्हेन आई एम फाइट, कैसे करती है वो, शी इज डिसगस्टिंग नाउ। मतलब अपने पति से इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए, देयर शुड बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन द रिलेशनशिप। वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखती, दिखती है बट वो लड़ाई के टाइम नहीं दिखती। एंड ओ माय गॉड, नील पता नहीं उसको कैसे झेलता है। अब दूसरी बात है, इस दिल वाले कमरे में ये इतने पागल हो चुके हैं ये सारे कि वो जो ईशा और अभिषेक है ना, इन सब में वो थोड़े ढंग के लगने लग गए। यू नो, आप ये सोचो लेवल कितना गिर गया है कि ईशा और अभिषेक थोड़े ढंग के लग रहे हैं आंखों को। मुझे 10 मिनट लगे एक्सेप्ट करने में कि मुझे ईशा थोड़ी आज ठीक लग रही थी। एंड मनारा तो अच्छी लगी मुझे, मनारा ने जैसे खानजादी को जवाब दिया ना, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि खानजादी क्या, मनारा ने उसको सॉरी भी बोला, मनारा वाज स्टिल ओपनिंग द डोर फॉर हर की यू नो, मैं तेरे को हमारी रिलेशनशिप का एक फिर से एक न्यूट्रल ग्राउंड पे शुरू करते हैं, जो भी मैं तेरे को नॉमिनेट नहीं करूँ। खानजादी की अपनी वही बदतमीजी वहां भी चालू थी, उल्टा सीधा उसको बस फुटेज खाने का जो होता है। तो सही किया मनारा ने उसे नॉमिनेट करके, मेरे को मनारा पूरे एपिसोड में बहुत अच्छी लगी, मेरे को कहीं गलत नहीं लगी। और मुनव्वर की जहां तक बात आती है आंटी, मुनव्वर खेल सही रहा है बट वो ना उसके बीच में ट्रू कलर्स दिख जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे उसको वो जो गाली वाला पार्ट था ना, उसने अगर एक बार दी होती मैं मानती हूँ उसने मुंह से निकल गई,
लड़ाई में उसने पता नहीं मल्टीपल टाइम्स 5-6 बार आई थिंक उसने वो सेम वर्ड्स रिपीट किया है, और जब आप बार बार सेम वर्ड्स अलग अलग कमरों में जाके रिपीट कर रहे हो ना, तब ऐसा लगता है मुझे कि ये इंटेंशनल है, आपके मन में बहुत देर से चल रहा था, अब बस निकल रहा है आपके मुंह से। तो वो मेरे को वहां नहीं लगा वो गलती है, वो गलती नहीं थी, वो इंटेंशनल था। तो वो वहां मुझे मनावर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हाँ, अरुण और तहलका क्या कर रहे हैं, उस बात पे भी नहीं लड़े, बकवास बातों पे लड़ लेते, रोटी वोटी पे, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग इन द हाउस। और समर्थ, समर्थ इज बकवास आदमी, उसको निकालो, आई वुड से समर्थ और नावेद को निकाल दो इस बार, और कोई मतलब इन दोनों को बिल्कुल दफा कर दो। और एंडी अभी के लिए इतना ही नहीं, बट अरुण, आई थिंक अरुण को निकालो यार, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। तहलकर को निकालो, क्या कर रहा है? ऑब्वियसली तहलकर को नहीं निकालेंगे, क्यों, अगर उनकी बीवी को लेके आएंगे उसके साथ। क्या कर रहा है एंडी? समर्थ को निकालो, चलो ठीक है, आई डोंट माइंड, समर्थ को निकालो, नो प्रॉब्लम, बट आई एम सेइंग कि अरुण और इसके इनके बीच में से भी किसको निकालो यार। नावेद जाएगा ना एंडी, अगर दो भी गए तो नावेद जाएगा ना। वैसे नावेद दम रूम को निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एंडी बिग बॉस, हाँ बिग बॉस की बायस्ड वाली जो दिमाग वाली बात है, मेरे को इतना बायस नहीं लगा। बिग बॉस ने पहले ही बोला है मैं अपने फेवरेट्स को बचाऊंगा, तो बिग बॉस यार जहाँ वो 7-8 नाम उन्होंने चूज करने थे सही, एक आधा गलत हो सकता है, तो बिग बॉस ने कहा चल एक और चांस देता हूँ, क्योंकि बाकी सारे सही थे। अगर ऐसे होता ना कि 3-4 सही है बाकी गलत है तो भी होता कि वो, बट देवर एक्यूरेट, तो बिग बॉस ने कहा चल एक चांस और दे देता हूँ, तो मुझे इतना प्रॉब्लम। ये गलत है, ये गलत है, ये बहुत गलत है, सरासर गलत है, ये एक्चुअली डिसगस्टिंग बिहेवियर। बिकॉज देखो, अगर आप गेम बनाते हो, उसके असूल बनाते हो, उसके बाद आप तोड़ते हो, देन you look like idiots, you have to just stick to your thing, I'll give you one go, and that's okay. exciting ke dimag walon ko hamesha kuch na kuch milta hai, chalo theek hai isme aa gaye, unhone galat kara, chalo ek bar aur kar lo koshish, aapne galat fir se kar diya, chalo ek bar aur kar do, kya bakwas hai fir, jab tak aap sahi nahi karoge then it's a full on kya uska naam hai, prakash tejaswini, teja ko nahi mil raha tha, acha aap wohi same tejaswini, तेजस्वी प्रकाश का जो सीन था, तू नहीं वीआईपी बनी, चलो एक और बार कर देते हैं, चलो एक और बार कर देते हैं। अब तुम्हें राजीव आदित्य को भेजा, और कितनी बड़ी पावर थी, पूरा घर सेफ हो रहा था, राजीव आदित्य को भेजा गया जिसकी तेजा से बिल्कुल नहीं बनती थी, वो जाके तेजा को सपोर्ट कर रहा है, बहन के खिलाफ जाके मुंह बोली शमिता शेट्टी, बहन के खिलाफ जाके तेजा को ऐसे प्लेटर में सजा के दे के आया था वीआईपी। और एंडी जो अंकिता ने बोला कि करते रहो मुझे नॉमिनेट, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, एमजीयां जो लिखवा के आए हो ना आप, ये बड़बड़ मत करो, विक्की और अंकिता दोनों इतने कॉन्फिडेंट है, हाँ हाँ तो बच गए, ये वही वही वही, इनको पता है कि इतना पैसा खा के आए हैं कि अभी तक इनको नहीं निकालेंगे, क्योंकि कितने समय से ये आए, कितने समय से आ रहे थे, तो इनका पहला पहले तो कह जा रहे ईशा 5 लाख ले रही है हफ्ते क्या, पर ये कितना लेगी फिर अंकिता, 14-15, बट एंडी ईशा को कम पैसा मिल रहा है यार, इतनी सारी पुल पट्टियां खोलने का सिर्फ 5 लाख, और दो हफ्ते के लिए तो डबल कर देनी चाहिए ईशा की पेमेंट थोड़ा सा। हाँ, गरिमा सोनी, वेलकम टू द एंडी फैम, ये वी हैव अनदर मेंबर, वी हैव मोर मेंबर्स गाइस, लेट्स जस्ट टेक द, वी गॉट अनम सेइंग हैं, ये तो कर लिया अच्छा हाँ तो वी गॉट नेहा गिफ्टेड मेंबरशिप, थैंक यू फॉर मंथ्स। आज मुझे लगा कपड़े इतने महंगे हैं पहनते, लेकिन हरकतें, आई डोंट नो हाउ टू से, एंडी अरुण इज रीजनल बीबी विनर, ही हैज फैंस, चलो ठीक है, फैंस है, फैंस नहीं है, ही इज गॉट फॉलोअर्स, फैंस अलग होते हैं, फॉलोअर्स अलग होते हैं, फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे क्योंकि वो गेमर है, वो गेमर के फैंस कितने उम्र के होते हैं, शायद 13 से लेके 18 तक, तो दीज आर किड्स, क्या उनको इंटरेस्ट है बिग बॉस में, प्रॉबेबली नॉट, क्या उनको गेमिंग में इंटरेस्ट है, प्रॉबेबली येस,
तो आई डोंट थिंक कि वहां से इतना वोटिंग का सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, जहां से वो कमा के आए हैं इतने फॉलोअर्स, वो अलग टाइप का ऑडियंस है। इस वजह से कोई ट्विटर पे अरुण का नामो निशान नहीं है, क्योंकि ट्विटर और ऐसे प्लेटफॉर्म्स ज्यादातर रियलिटी शोज ही इस्तेमाल करते हैं, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के खुद के होते हैं, डिस्कॉर्ड करके अलग अलग एप्स होते हैं जो गेमर्स यूज करते हैं, वो सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स में नहीं आते हैं। तो इस वजह से अगर हम अरुण का नाम डालते हैं ना, मैं जब हैशटैग बनाता हूँ मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ, मुझे लगा ये क्या हो गया कि अरुण का नाम ही नहीं आता, इसका तो इतना फॉलोइंग है। पर अगर मुनव्वर का डाले जो मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया पे आते हैं, वो अलग चीज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग वी आर नॉट गेटिंग। बट ही कैन बी डेफिनेटली, उनको रीजनल में डाल देते थे, होता है ना, तेलुगु बिग बॉस उसमें डाल दो, मे बी दैट विल बी अ बेटर थिंग फॉर हिम टू डू। बट यहाँ पे ही इज नॉट, मे बी वहां पर भी मैंने जो देखा है ना अभी तक, जो मुझे नजर आया है, जो जो तेलुगु या साउथ इंडियन का जो है वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, वो लोग इतने एक्टिव होते हैं कि मतलब वो तो हाथापाई ऐसे करते हैं, अलग लेवल की हो जाती है वहां पे। टॉर्चर टास्क लो या ऐसा लो, दे आर प्लेइंग अ गेम एंड दे प्लेइंग अ रियल गेम। जो बिग बॉस हुआ करता था वो खेल रहे हैं अभी, एंड आई डोंट थिंक अरुण वहां पे बस सकता है। एनीवे लेट्स मूव ऑन, लेट्स कम टू सांझ। सांझ वेलकम, व्हाट्स हैपनिंग बताइए। पहले जो आप बोल रहे हो, मुझे लगता है फैंस तो सिर्फ शाहरुख खान के हैं, बाकी तो आए हैं, भीड़ इकट्ठी करते हैं लोग, ये मेरा मानना है। और दूसरी चीज एंडी, ये जो बोला जा रहा था ना, इसको निकाल दो, तो मुझे लगता है सबको निकाल दो, नया सीजन शुरू कर दो। क्या बोरिंग सीजन है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब वही स्क्रिप्ट दी हुई है वो चल रही है। एंड उसके बाद मुझे बोला यहाँ बोला गया कि उसकी क्लास क्लास नहीं दिखती है ऐश्वर्या की, ऐसे लोगों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते, तो वो ये है। तो फिर मुनव्वर की क्लास में नहीं आता जो वो गालियां देता है, मुझे बस ये है कि वहां पे जो उसकी लैंग्वेज है तो वो किस कैटेगरी में रखा जाएगा। दूसरी चीज, उसको बोला जा रहा है अनुराग, क्या UK07 को, कि वो इतना फट क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है, गेम है, ये है वो है। अगर आज मुनव्वर फट रहा है तो वो ऐसा लग रहा है कि भाई वाह सामने आ गया, गेम खेल रहा है। ये मैंने एंडी कल भी बोला था कि मुनव्वर बुखला गया है। बुखला कब से गया, 3 वीकेंड का वॉर निकल गए हैं। 3 वीकेंड के वॉर निकलने के बाद जब मुनव्वर को पता चला कि उसकी कोई स्टोरी लाइन चली नहीं रही है, मतलब वीकेंड का वॉर पे आके उसको नहीं किया जाता हाईलाइट, वो उससे 2-4 शेयर सुन लिए, 2-4 बातें बोल दी या पूछ लिया मुनव्वर ऐसा है, तो वो चीज उसको अंदर से पता है, इतना तो मैं जानता हूँ उसको, वो इतना स्मार्ट है कि उसको ये चीजें पता चल जाती है कि चल क्या रहा है। तो मुनव्वर को पता चल गया कि ऐसे होने नहीं वाला, ये बिग बॉस की गेम और है, लोकअप की गेम और थी। लोकअप में उसने वो अपने बकरे पाल लिए थे बहुत टाइम पहले, फिर उसके बाद टास्क आते थे, टास्क में वो शाइन करता है जिसमें वो है एक्चुअल में गुड, है ना। पर इस बार क्या हुआ, वो चीज हो नहीं रही है। तो अब मुनव्वर का ना बुखलाहट जो सामने आई है, तो उसकी वो लैंग्वेज भी सामने आ रही है, अभी वो और फटेगा। सबसे ज्यादा अच्छा मुझे एंडी पता मुनव्वर का कब लगता है, जब उसको कोई धोखा देता है, वो तो देता रहेगा, वो उसके लिए धोखा नहीं होता, वो कहता है कि नहीं हमेशा मुझे मिले। जिस दिन उसको धोखा मिलेगा ना, उस दिन उसकी लैंग्वेज भी देखने वाली होती है, उसकी मतलब सारी चीजें सामने आ जाती। मैं तो चाहता हूँ प्लीज उसके साथ हो, वो करे तो सामने, तो मैं बोलूँ तो सही कि ये है इसकी रियलिटी। एंड अदर साइड एंडी, मुझे ये बोलना है, ये जो ऐश्वर्या का मुझे नहीं पता क्यों वो ऐसे रिएक्ट कर रही है या उसको क्या हो गया। अगर वो इसकी रियल पर्सनैलिटी है तो वो बिल्कुल अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। यहाँ पे बोला जाता था कि विक्की और अंकिता के बीच में ये है, मुझे लगता है कि विक्की अंकिता के बीच में इतने भी इशू रहे हो, कितने भी मतलब जो मर्जी हो, वो फिर भी इन द एंड जाके ऐसा नहीं, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा गंदी वाली उसमें चले जाते हैं, विक्की की तरफ से हो जाता है। पर जिस तरीके से ऐश्वर्या और नील फट रहे हैं, और ऐश्वर्या का तो और ही नेक्स्ट लेवल चल रहा है, तो वो क्या है ये, आप सेलिब्रिटी हो यार, मतलब आप ये दिखाते हो कि हम बहुत है ना अच्छे खासे पैसे लेते हैं, एम जी लेके आई हैं और हमारा नाम है टीवी इंडस्ट्री में, उसके बाद आपकी ये आपकी तरह से ये हरकतें, तो मुझे वहां पे लग रहा है यार ये क्या फालतू की चीज है। एंड यस, पता नहीं किसने बोला कि ईशा अच्छी लग रही है उनके बीच में और ये जो चल रहा है, एंड ये सच इफेक्ट है, क्योंकि जिस तरीके से ये गेम खेल रहे हैं ना चारों, मतलब मेन जिनके ऊपर गेम बिग बॉस घुमाना चाहता है, उसके मुकाबले में तो फिर ईशा और अभिषेक और ये समर्थ बहुत अच्छे हैं उनके हिसाब से, क्योंकि इनका तो रोना धोना झूठ पे चल रहा है ना,
उनका तो मतलब बिना कुछ हुए भी इतने बदतमीज है एक दूसरे के साथ, तो वो देख के मुझे थोड़ा होता है। एंड लास्ट मुझे एंडी अरुण को लेके बोलना है, ये जो फॉलोअर्स वगैरह की वजह से यस वो थोड़ा सरवाइव कर जाते हैं, बहुत आगे तक चले जाते हैं, फिर वही बात हो जाती है अभी पिछले कई सीजन्स में, अभी लास्ट वाला ओटीटी वाला में दोनों कंटेस्टेंट का नाम होगा, बिना कुछ किए फाइनलिस्ट भी बन जाते हो, उससे पहले 16 का विनर एमसी स्टैन बिना कुछ किए वो भी विनर बन जाता है, तो उससे फिर क्या ही फायदा होगा, आप विनर बन जाओ फिर उसके बाद लोग गालियां ही देते हैं आपको, कोई अच्छा तो कोई कहता नहीं है, ये चीज इनको रियलाइजेशन होनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये समझ नहीं आता इतने बड़े ये मतलब नाम बन जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, हर टाइम ये कंप्यूटर, जैसे अरुण की बात कर रहा हूँ, सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं इंटरनेट के बारे में, कम से कम इतनी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए ना यार, हम किसी चीज में जा रहे हैं, हमें वहां पे जाके क्या आउटपुट देना है, अगर मैं कल को विनर बनूंगा भी तो मैं ये बोलने था हला हक तो रखूं कि हाँ यार मैंने शो में कुछ दिया था, ये कॉमन सेंस नाम की ये चीज क्यों नहीं लेके जाते अपने साथ, इतने डम क्यों बन के बैठे रहते हैं कि जैसे बस पीछे से दुनिया देख लें कि हम तो यहाँ आ गए, मुझे ये चीज एटीट्यूड वाले लोग पसंद नहीं आते। थैंक यू फॉर दैट नंदनी। बंसल मुझे पूछ रही इज दैट योर नेचुरल हेयर टेक्सचर और टेक टाइम टू, नो इट्स माय नेचुरल हेयर, इट ऐसे सूख जब मैं गीला करता हूँ बाल इट गेट्स कर्ली, एंड जब मैं इतने सालों से चैनल वी से लेके वो सब आई थिंक माई हेयर वॉज सो डिसेंसिटाइज, क्योंकि पता कैसे ये हुआ, ये जब मैंने 3 साल से मैं घर पे बैठा हूँ लॉकअप में, लॉकअप में बोल रहा हूँ लॉकआउट क्या लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन में, तो वहां पर ना आई जस्ट लेट माई हेयर डू वॉट आई वॉन्टेड टू डू, एंड फिर वो ऐसे मेरा नेचुरल बाल यू नो उसका कर्ल आ गया, क्योंकि मैं इतना उसको हम यू नो जैसे हेयर ड्रेसर्स होते थे इतने समय तक जब मैं शूट करता था वो स्ट्रेट कर देते ब्लो ड्राई करके या स्ट्रेटनर से, तो जो टेक्सचर आपका बाल का होता है वो कहीं ना कहीं बदल जाता है, लाइक इट ग्रोज बट इतना भी मेरा टाइट कर्ल नहीं है, तो यू नो वो वेव्स में निकल जाता है, वो ऐसे जो पफ करते थे पहले वो पोम्पाडोर करते थे वो पूरा वो क्या कहते हैं वो ब्लो ड्राइंग से होता है, तो मैंने तो अपना बाल ऐसे छोड़ दिया और ऐसे उसका कर्ल आ गया, देन आई वाज लाइक ओके आई एम गोना लीव माय कर्ल्स, बचपन से मेरे बाल ऐसे हैं, मतलब इफ यू सी माय बेबी पिक्चर्स मोस्ट ऑफ माय बेबी पिक्चर्स हैव कर्ली हेयर, सो दैट्स व्हाई। एनीवे मूविंग ऑन, चलो लेट्स गो टू हमजा। हमजा बताइए व्हाट इज हैपनिंग। Assalamu alaikum and hello to everyone, first of all. Namaste to you and hello to everyone as well. Thank you. Uske baad also, like, subscribe and share. Yes, yes. Like and subscribe. Jaldi se karo sare, first of all. और उसके बाद मुझे बोलना है मुझे आज मुनव्वर बहुत अच्छा लगा है, मुझे वो सच में मैं कह रहा हूँ अगर वो इसी तरह हर रोज शाइन करेगा तो मैं तो अपना वो फेवरेट मानने वाला हूँ और उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। आज पूरा का पूरा एपिसोड ही उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और उसमें वो सेंसिबल भी लग रहा था, उसकी बातें भी मैं कनेक्ट कर पा रहा था, उसकी चीज़ों से मैं कनेक्ट कर पा रहा था और मुझे वो बेफालतू का लड़ता नहीं दिख रहा था, तो मुझे आज मुनव्वर बहुत पसंद आया। उसके बाद मैं इस चीज से हैरान था कि जब वो बंदा बाहर आया और जो एक्सप्रेशन दिल वाले कमरे वाले बना रहे थे, अभिषेक बोल रहा था ये क्या हो रहा है, अंकिता ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे पूछना था कि तुम लोग तो पहले दिनों से ऐसा कर रहे हो, बिला वजह चीखना हर चीज करना, अभिषेक की तो ऐसे लगता जैसे वो गड़ा रही है ना, वो घिस गई है और वो चल नहीं रही है, बिल्कुल चुप कर गया है, तो तुम लोग हैरान क्यों हो रहे हो, कुछ नहीं होता, उनको भी 2 दिन शाइन करने दो। और आज यूके की वजह से जो अचानक बयानक और तहलका जी शाइन किए हैं या चाहे दिखे हैं, इन शॉर्ट दिखे हैं, उसने मैं इतना हैरान था, वो बेचारा चुप करके लेटा होता था क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है, हमने देख लिया वो कितना को तहलका है और कितना को भयानक है, वो कुछ भी नहीं करते, बार बार कहता था ऐसा हुआ है चलो जाओ लड़ो चलो जाओ लड़ो। तो तुमने जो कार्ड भी लाया वो भी लोगों को ही हाईलाइट करने के लिए लाया, तुम्हारी वजह से आज वो दोनों दिख गए, नहीं तो वो कहीं दिखते ही नहीं थे, तो आज ये यूके की वजह से। और उसके बाद जो नॉमिनेशन हुआ तो मुझे ऐश्वर्या का तो चलो जो आज वो डायन बनी हुई थी पता नहीं क्यों, मुझे लगता है जो अचानक भयानक कहता ना मैं ऐसा कर दूंगा मैं वैसा कर दूंगा, ऐश्वर्या वो करके दिखाती है, वो पूरी डायन बन के दिखाती है, और उसने तो आज बाल भी नहीं सीधे किए थे, सच में उसे डर लग रहा था बेचारी से, जिस तरह आज बाल इधर डाल के कभी इधर को जा रही थी कभी इधर के सिग्नल पकड़ रही थी, वो पूरी डरावनी लग रही थी। लेकिन मुझे वहां पर नील अकलमंद लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आज अकलमंद लगा कि जिस तरह अंकिता का मुझे समझ नहीं आ रहा था,
अंकिता पहले ईशा के पास जाती है, जाके कहती है मुझे तुमने नॉमिनेट क्यों किया, देखो मैंने तो तुम्हें नॉमिनेट नहीं किया, तो वो तुम्हारी मर्जी है अंकिता जी, इससे आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा कि आपने नॉमिनेट नहीं किया, वो आपकी अपनी च्वाइस थी, आप कर सकती थी, आपको ऐसे महानता की देवी बनना था, देखो मैं कितनी महान हूँ, मेरी दोस्त मुझे नॉमिनेट कर रहे हैं लेकिन मैं तो नहीं करती। फिर ईशा मुझे आज बड़ी अच्छी लगी जो उसने बोला कि आपने खुद ही बोला ना कि मैं अब तुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैंने अब एक लाइन ड्रा कर लिया, जब कर लिया तो करो, फिर अब तुम जो हो मेरी लिए भी मेरी नजरों से भी गिर गई हो, तो वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो नील से पूछ रही थी, फिर नील बेचारा समझा समझा के थक गया, बाजी देखो पूरे घर में होगा तो मैं तुझे नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस दिल के घर में तो मेरे लिए टॉप ऑफ द फेवरेट नहीं हो, फिर भी पूछी जा रही थी। विकी ने भी समझाया अपनी बीवी को कि बाजी समझ जा, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, डायन नजर नहीं आ रही, खा जाएगी तुझे, लेकिन उसे नहीं डर लगा, वो फिर भी पिन मारती जा रही थी। और ऐश्वर्या उसी तरह लड़ लड़के लड़ लड़के, आज तो दिल का रूम वो इतना भयानक हो चुका था, अचानक भयानक मुझे लग रहा था आज ऐश्वर्या में आया हुआ है, जितनी वो आज लड़ी है सच में। और उसका समझ ही नहीं आ रहा कहीं डायन का वो तो नहीं दे रही ऑडिशन के मैं डायन बन सकती हूँ बहुत अच्छी, तो वो ऐश्वर्या तो आज बहुत ही बुरी मुझे लगी है, पता नहीं क्यों, और आगे देख सकते हैं कि अच्छी लगती है या नहीं। अपने हस्बैंड के साथ भी लड़ी जा रही थी, और जो हस्बैंड के साथ लड़े, और अंकिता रिंकू को कहती है रहने दीजिए, वो हस्बैंड वाइफ है, वाह अंकिता जी तुम लोग तो खुद, तुम मुनव्वर को बताती हो और वो सना को जा जाके बताती है मेरा हस्बैंड ऐसा है मेरा हस्बैंड वैसा है, तब ये जो 800 कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ नहीं, सब देख रहे हैं जो तुम लोग कर रहे हो, तो कौन सी पर्सनल लाइफ, उसको बस ये था कि अंदर जो हम खाना पीना चुरा रहे हैं, कभी इधर रख रहे हैं कभी उधर रख रहे हैं, वो दिख ना जाए। और जो आज ये मुनव्वर के साथ वो लड़ रही थी, मुझे लगा कि जो चोर की वजह से वो दूसरों को गालियां दे रहा, कहीं मेरे साथ ना शुरू हो जाए, क्योंकि घर में अगर चोरों का इश्तेहार लगा तो नंबर वन पे तो मैं नहीं आना है, जितनी मैं चोरियां करती हूँ हर जगह से, इधर से चोरी कर लो उधर से, और बाद में मैं मानती भी नहीं हूँ। तो बाकी आज की एपिसोड की थोड़ी सी सेंस बन रही थी, नॉमिनेशन था तो पॉइंट्स नजर आ रहे थे कुछ हो, तो प्लीज बिग बॉस, और बिग बॉस की मुझे एक चीज पूछनी थी, बिग बॉस बोल रहे थे कि पूरा हफ्ता आपने जो बकवास की है, जो आपने मुझे कंटेंट दिया है, और फिर मैंने जिन से पूछा तो जिन ने कहा चलो अब नॉमिनेशन कर लेते हैं, तो प्लीज हमें जिनका सोशल मीडिया अकाउंट बताइए, हम जाके जिनको थोड़ा सा घिसे और वो आपको बताए कि कुछ टास्क भी करा लो, नॉमिनेशन तो करा लिया, एक टास्क ही करा दो बिग बॉस प्लीज, अगर उसके जिन से मुंह से सुने हमें उसका सोशल मीडिया अकाउंट बताओ, हम उधर जाके उस बेचारे को मैसेज करते हैं कि प्लीज बिग बॉस तुमको बताओ कि कोई टास्क करवा दे, और प्लीज एक टास्क ले आए। मैं कहता हूँ ये जो लोग हमें सेंस लेस लग रहे हैं ना, इनमें सेंस बन जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्टेस्टेंट में थोड़ा तो है लड़ने का भी और अपनी गेम खेलने का भी, तो ये मुझे आज बोलना था पूरे एपिसोड पे। थैंक यू Perth Desai कहते हैं Andy was a sunlight in lockup. I don't know about that. There was a lot of बायल वाला. हाँ, there was too much sunlight. वो शो क्यों नहीं आया वापस यार? चलो ठीक है, इतना आज मैं फल्ला खोला दूँ, मैं बोला था सपोर्ट करूँगा यार, उसको उसको आना चाहिए था वापस, आई मीन बीच में जैसे बिग बॉस आता है उसके बीच बीच में आना चाहिए था ना, फिर बिग बॉस ओटीटी, फिर वो हमारा तो पूरा सीजन बन गया था, यू नो, बट उन्होंने ऐसे क्यों नहीं वापस किया यहाँ पे। सैजी खान पूछ रहे हैं मुझे कि हमें स्किट करना चाहिए, और जैगबू पूछ रहे हैं कि बाबू जी, नहीं जैगबू नहीं पूछ रहे थे, आई थिंक इट वॉज सफजल saying ke babu ji kab marenge, so I've got requests coming in for skits, so I'll have to think about it. God, that's another piece of work. Is hafte to nahi ho payega, I'm really busy doing lots of projects, so after the projects are landed, like I think I'll take at least 2 weeks to do my work right that I'm doing, so after that I can probably do something if I have a script. Mujhe script bhi likhni padegi, by the way, so it's a little bit of work. So Big Boss होने से, I mean Big Boss खत्म होने से तो पहले तो कुछ करना ही पड़ेगा, but fingers crossed it sooner than later. हाँ फॉलो में आपको क्या बोलना है, फिर हम आएंगे अर्णव के पास। Andy, मुझे हमजा की एक पॉइंट से डिसएग्री कर रही हूँ मैं, कि वो बोल रहे हैं अंकिता क्यों पूछ रही है जाके कि तुम नॉमिनेट क्यों किया मेरे को, तो एंडी बिग बॉस में तो ये होता ही है कि नॉमिनेशंस के बाद ये डिस्कशंस, ये लड़ाइयाँ होती इस पे कि आपने मुझे नॉमिनेट क्यों किया,
और अंकिता का यहाँ पे बनता था क्योंकि ईशा को उसने सपोर्ट किया है। जब मन्नारा ने भी वो स्टेटमेंट बोली थी कि बॉयफ्रेंड की नहीं हो पाई, किसी की नहीं होगी, तब अंकिता ने उसका स्टैंड लिया था। जबकि उसी वीकेंड अंकिता को सलमान ने ये समझाया था कि ईशा आप दोनों के बीच में आ रही है, बट फिर भी अंकिता ने उसका स्टैंड लिया था, वो उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको प्रायोरिटी बोल रही थी। तो आज अगर अचानक से आके वो नॉमिनेट करेगी तो इतना तो क्वेश्चन करना बनता है भाई कि अंकिता इतना तो पूछ ही सकती कि तुमने मुझे नॉमिनेट कैसे क्यों किया, क्या इतना कितनी क्या होगी। वो कह रहे हैं कि हम जैसे नील और वो कह रहे हैं ऐश्वर्या कि हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो अंकिता का यहाँ पे पॉइंट सही था कि नील आपकी तो मेरे से भी कोई लड़ाई नहीं हुई है, तो फिर आप मेरे को नॉमिनेशन के लिए पहले चुन रहे हो अबव अभिषेक एंड ईशा, तो वहां पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे रहे थे नील और ऐश्वर्या। तो वैसे ही मुझे आज इनका भी लगा कि अंकिता पूछ तो सकती है यार, अब बुरी लग रही है बट इतना तो कर ही सकती कि पूछ ले कि तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया है। एंडी सर मेरा छोटा सा जवाब है। हाँ जी बोलिए। हमजा मेरा टर्न है। बस जवाब देना है। जवाब है अर्नब, तो हर जगह उंगली दे देता, आज उसने दे दी। तो मैंने ये अंकिता वाले पे बोलना था कि नील ने सीधे सीधे से शुरू में बताया था कि बीबी अगर पूरे घर में नॉमिनेशन होगी तो माता जी मैं आपको नॉमिनेट नहीं करूंगा, लेकिन अगर इन खरबूजों में से मुझे चुनना है तो मुझे आप खराब खरबूजा लगती हो। तो उसने बोल दिया, विकी ने भी बोला कि यस उसने बता दिया है, वो उसकी चॉइस है। लेकिन मैं ईशा की बात कर रही हूँ हमजा, ईशा से आपने पहले अंकिता की भी की, आपने पहले अंकिता की भी की कि यही तो होता है, तो उस पे मैंने आपको जवाब दिया है। और दूसरा तो अंकिता ईशा से पूछ सकती है कि तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, आपने कहा तो देने तो लगा हूं इसका भी जवाब। जब उसने वो बोला तो उस मैंने ये बोला कि ईशा ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देखो आपने बोला कि मैं अब तुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, मैंने अब एक बाउंड्री बना ली है, तो उस वजह से मैंने आपको नॉमिनेट किया। तो उसने बता दिया जब आप अब उस पे ट्रस्ट नहीं कर रही तो वो आपको नॉमिनेट कर रही है, तो वो उसने कर दिया नॉमिनेट, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो तो उसको तो एमजी भी है, उसको तो इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। तो ये मैंने इसका जवाब देना था। कि अंकिता एक बार पूछ लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पीछे पड़ जाती है मुझे कि नॉमिनेट किया, मुझे कि नॉमिनेट किया, वो इरिटेट करता है। और सबकी अपनी चॉइस है वो किसी को भी नॉमिनेट करे। और ईशा और अंकिता की इक्वेशन अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मतलब अगर ईशा को जेन्युइनली फील हुआ कि ऐश्वर्या वाज स्टैंडिंग विद हर तो उसने ऐश्वर्या को बचाया और अंकिता को नहीं, तो इसमें मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता। बट अंकिता के पीछे है ना, वो पड़ गई, अब बता तूने मुझे क्यों नॉमिनेट किया। चलो लेट्स गो टू अर्णव नाउ, फॉलो मी, वी विल हैव टू गो टू अर्णव। हाय एंडी, हाय पॉलोमी, समृद्धि, सांच, हमजा, हाँ सब लोग, जिन लोगों ने भी मेरा चांस पे इंटरप्ट किया है ना, याद रखना आप लोगों के चांस पे भी मैं इंटरप्ट करूंगा, हक से करूंगा, तब रोना मत क्यों इंटरप्ट कर रहे हो। हाँ जिन लोगों ने नहीं, तब एक बार भी रोना मत कि क्यों इंटरप्ट कर रहे हो, तब दिख जाएगी। अब मेरा चांस है, मेरा नाम अर्णव है, मुझे बोलने दिया जाए प्लीज। ओके पक्का बोलूंगा मैं। हाँ तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि जिस शो का विनर लॉकअप का विनर मुनावर होगा उस शो का सेकंड सीजन कैसे होगा, उसका सेकंड सीजन बिल्कुल भी नहीं होगा, वही है फैक्ट। और आज मुनावर की जो असलियत दिखी, आई एम लाइक वेरी हैप्पी ऑन माय सेल्फ कि इसको मैंने डे वन से जैसा सोचा था वो वैसा ही निकला। क्या बोलता है वो, पहले मैं बिग बॉस का बायस एंड पार्शियलिटी दिखाता हूँ उसके तरफ। जब ऐश्वर्या गाली देती है चू बोल के, बाकी वर्ड आपको पता ही है क्या गाली देती है, वो उसका फेवरेट, तब तो बिग बॉस फोकस करते हैं उसके वॉइस के ऊपर, देखो देखो लड़कियों के गाली दे रही है, देखो देखो। और आज जब मुनावर ने बोला पिल्ले के सामने, उसने जो बोला वो वर्ड क्यों म्यूट कर दिया गया, वो क्या कुत्ते का पिल्ला था, सुअर का पिल्ला था, हरामजादा पिल्ला था, क्या था, तो वो एक मिस्ट्री बना दिया जाए। क्योंकि जमाई बाबू मुनावर का इमेज जो क्लीन अप करना है, उसकी गाली कैसे दिखा सकते हैं, बाकी सबकी गालियां दिखाओ लेकिन मुनावर की गाली बिल्कुल मत दिखाओ, क्योंकि उसको तो डे वन में ही सलमान ने बोला था कि दुआ करो फिनाले के दिन मैं आपका हाथ उठाऊ, तो ऑलरेडी उसका जो दूसरे लोग बोलते हैं अंकिता की हिम्मत कैसे हुई मैं नहीं जाऊंगी एमजी की, अरे सबसे बड़ा एमजी तो खुद सलमान खान ने और बिग बॉस वालों ने उसको प्रीमियर के डे ही दे दिया, प्रीमियर के डे कि दुआ करो कि लास्ट तक हाथ उठाऊंगा, तो हिज है एमजी इज टू विन द शो। और आप लोग एमजी एमजी बोलते हो, सीजन 16 में प्रियंका जब बोली थी मैं फिनाले तक जाऊंगी, कितने लोगों को प्रॉब्लम हुआ था मुझे याद नहीं है, क्योंकि तब मैंने शो जस्ट देखना शुरू किया था। तो यहाँ भी अंकिता बोलेगी, और उसके बाद क्या बोलता है वो कि मैं तो खानदान को भी गाली दूंगा, क्यों भाई मुनावर तुम्हारे खानदान के ऊपर अगर कोई गाली दे तब तुम क्या कार्ड खेलोगे,
क्या कार्ड खेलोगे? तुम प्राउडली बोलते हो कि तुम खानदान को भी पिल्ले बोले के गाली दोगे, ये है तुम्हारा अच्छा चेहरा, और इसको लोग बोलेंगे मास्टरमाइंड मास्टरमाइंड, और इसको लोग बोलेंगे अरे मुनावर क्या मस्त खेल रहा है। गाली देना अगर खेल हुआ तो सब लोग गाली देंगे। तो वीकेंड के वार पे पिछले सीजन में कोई भी अगर गाली देते थे उसके 1000 प्रमोस काट काट के दिखाते थे और उसको बेइज्जत किया जाता था। अब मुझे देखना है कि मुनावर को कितना बेइज्जत किया जाएगा। निकी तंबोली ने भी कुछ सामान शायद रखा था, सम आइटम अपने टी शर्ट के अंदर, तो उसको बेतरी बेइज्जती किया गया था वीकेंड के बारे में। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, ये अपने चड्डी के अंदर कॉफी रखता है, मुझे भी देखना है वीकेंड के बारे में इसको क्या बोलेंगे कि तुमने अपने चड्डी के अंदर कॉफी क्यों रखा। तो इससे दिख जाएगा कि किसको पार्शियलिटी मिल रहा है। एंड सेकंड थिंग, कमिंग टू द अदर कंटेस्टेंट्स, एटलीस्ट खानजादी में हिम्मत तो है बोलने की कि मुनावर की क्या हरकतें हैं। That I don't want a leader to put coffee inside his chaddi. Very apt reason. और भी बोलना था गालियों के वजह से। And second, I will go to Anurag. खुद में तो हिम्मत है नहीं झगड़ा करने की, लोगों में सिर्फ आग डालना आता है। जब मुनावर ने बोला था पिल्ला वर्ड, तब पूरे रूम को बोला, राइट? तुम्हारे रूम में से किसी पिल्ले ने ले लिया, तब उसको उस बात तक गुस्सा नहीं है। क्यों भाई, बाहर तुम्हारे फैंस पागलों की तरह बीबी किंग अनुराग में तुम्हें जिताए जा रहे हैं, ये होप करके कि तुम मुनावर के साथ झगड़ा करोगे, सामने फ्रंट फुट खेलोगे, लेकिन तुम्हें तो फ्रंट फुट खेलना आता ही नहीं है, चीची करके चिल्लाओगे उसके बाद गायब हो जाओगे। और आज के फाइट में आई थिंक द मोस्ट रिडिकुलस पर्सन वॉज ऐश्वर्या। अंकिता हैज फुल राइट टू आस्क, इतना अच्छा अच्छा बनने का नाटक करोगे उसके बाद क्या नॉमिनेट कर दोगे? सो शी इज एब्सोल्युटली राइट। एंड Even I read this somewhere and I agree. आज उन्होंने एक गलती कर दी कि विकी भैया को अच्छे गुड बुक्स में दिखा के, that he is taking care of his wife, क्योंकि उसको तो हमेशा टॉक्सिक पति के तरह ही दिखाना है, that he never cares about his wife. तो आज उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी, I don't quite understand. And the final point would be related to Arun Marshetti and और क्या है उसका नाम, क्या तहलका, तहलका right? Yeah. तो उनके लिए चलो, उनको आज बोलने का मौका तो मिला और अरुण को इतना डरने की बात नहीं है। पिछले सीजन में करण कुंद्रा ने चोक स्लैम किया था प्रतीक को, फिर भी वो बाहर जाके नहीं आया था। इसके भी अगर फैन फॉलोइंग है, ये सामने वाले को कुछ भी कर दे, इसको भी एक दिन के लिए बाहर भी नहीं निकालेंगे, रख देंगे। एंड ही इज नॉट द विनर ऑफ एनी बिग बॉस शो, दैट इज अ डिफरेंट शेट्टी, दैट इज नॉट अरुण महाशेट्टी, ही इज नॉट ए रियलिटी शो विनर। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच सांझ। What would you like to say? मुझे दो चीजें एंड पॉइंट पे बोलना। पहले मैं विक्की वाले पे बोल देता हूँ। ये कह रहा है कि विक्की को वो गलत नहीं दिखा सकी, बिग बॉस थोड़ी गलत दिखा रहे, वो तो विक्की जब गलत हरकतें करता है अंकिता के साथ, जिस टोन में या जिस तरीके से उसको ट्रीट करता है अंकिता को बुरे तरीके से, तो वो सामने आता तो लोग बोलते हैं ना कि तुम अपनी वाइफ को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो वो बिग बॉस के हाथ में थोड़ी। हाँ, ये तुम कह सकते हो कि सिर्फ उसी की गलतियां दिखाई जाती हैं और बाकियों की नहीं। मुझे लगता है अभी सभी की गलतियां वैसे भी एक महीने के बाद बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। बड़ा ही एग्जाम्पल है इसके ऊपर मुनव्वर की, उसी पर पॉइंट को मुझे एंडी ऐड करना था, मैं खुद भूल गया, मुझे ये हरदम ने याद कराया है। मैंने लोकअप के सीजन में उसका नाम भी रखा था डोला बिंद्रा, क्योंकि वो कहता था ना बाप पे नहीं जाना मुनव्वर, क्योंकि उस टाइम पे एंडी एक आजमा ने और एक वो जो लड़की थी फॉरेन से आई थी, नाम बोल रहा मंदाकिनी मंदिनी तो मुझे नाम ही याद उसका, तो मंदना क्रीमी, हाँ, तो उसने भी कुछ मतलब अलग वे में सिर्फ बाप को लेके कुछ बात बोल दी थी जो कि उसको डायरेक्ट नहीं बोली थी, तो कितना गंदा फटा था ये मनोबल, मतलब इस हद तक चला गया था कि भाई आज तो ये है नहीं है, वो सामने वाला नहीं है। पर आपने उस टाइम इसके वर्ड्स थे कि मैं ऐसे पेरेंट्स को लेके या बाप या माँ को लेके मैं कभी बात करता ही नहीं, फिर अगर जैसे समृद्धि ने बोला उसने 4-5 बार बोला है कि इंटेंशनली, एक बार चलो मुंह से निकल गया अलग बात है, 4-5 बार आप बोल रहे हो तो फिर आप क्यों किसी के जा रहे हो, फिर अपने ऊपर क्यों नहीं आप फिर वो आता, फिर जब आपको लेके कोई बोलेगा फिर तुम गंदे वाला फटते हो, वो वाली चीज थी बस। एंडी, एंडी सर मेरा भी एक पॉइंट है। हाँ जी बोलिए। मेरा ये मैंने अर्नव से ही डिसएग्री करना है, तो प्लीज भाई थोड़ा सा टोकना मत, उसके बाद जवाब दे देना, अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं पहले ही सॉरी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने जो अभी गाली वाला पॉइंट उठाया था कि वीकेंड पे जो गालियाँ लोग निकालते हैं उनको बड़ा सुनाया जाता, सॉरी टू से डेट भाई किसी को नहीं सुनाया जाता, गालियाँ तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं कि भाई ले जाओ साथ और जाके निकालो,
एमसी स्टैन तो इतना कुछ प्रियंका चेहर चौधरी को बोल चुका था, तो उसको तो कुछ भी नहीं बोला गया था। पूजा ने गाली निकाली थी, उसको कुछ नहीं बोला गया था। तो गालियों को वो बिग बॉस आप खुद सोचते हैं कि अभी हमने इसको यूज करना है या नहीं करना, तो वो आप इसको ना कहें कि बिग बॉस गाली पे तो बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं। तो सलमान खान ने बिग बॉस 13 में खुद बोला था, मैं गाली देता हूँ, तुम सब गाली देते हो, कौन गाली नहीं देता। तो ये सलमान खान खुद सीजन 13 में बोल चुके हैं। दूसरा, ये जो निक्की वाला पॉइंट उठाया जा रहा है, निक्की का वो जो ऑक्सीजन मास्क उसने पेंट में डाला था वो टास्क था, और वो टास्क था कि जिसके पास ऑक्सीजन मास्क होगा वो सेव हो जाएगा, और वो डिस्कशन के थ्रू वो मास्क उसके पास जाना था, तो उसने पेंट में डाल दिया, टास्क आगे बढ़ ही नहीं सकता था, टास्क वहां पर ही खत्म हो जाना था। तो इसलिए वहां पे सुनाया गया था कि जब आप वो चीज अंदर डालोगे अपनी पेंट में और फिर लड़का अगर उसको निकालेगा तो क्या लिखेगा। तो ये जो कॉफी है वो कह रहा है कि ये हमारी कॉफी है जो चुराई गई है, और ये जो खुद फ्रूट्स बाथरूम में रखते हैं तो उसने कॉफी पेंट में डाल ली, तो इसका बड़ा वही इशू बन गया। ये मैंने अर्नब को बोलना था। चलो ठीक है, एक सेकंड, ये अजहर भी कुछ कह रहे हैं कि कुत्ते का पिल्ला बोला, इतना रेज क्यों मुनव्वर पे, जस्ट बिकॉज मुनव्वर टैलेंटेड है, स्पॉन्टेनियस है, गेम में दिमाग लगा रहा है। अरे तुम अजहर, अजहर एक सेकंड, तो ठीक है कुत्ते का पिल्ला अगर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हराम का पिल्ला बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम। तो अगर अजहर आपको हम यहाँ पे बैठ के बोले, आपको ठीक है ना ये, क्योंकि वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि फिर हम इंटेलिजेंट हैं, अपने टैलेंटेड हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, दिमाग लगा रहे हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, करेक्ट? हाँ अर्णव बोलिए। एग्जैक्टली आंटी, कुत्ते का पिल्ले का वर्ड को अगर एक सेकंड के लिए साइड भी रखे तो उसका फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या था, मैं तो खानदान को भी बोलूंगा जिसको जो लगे लगे। तो खुद जब बोलता है माँ बाप के ऊपर मत जाना, बाप के ऊपर मत जाना, डायरेक्टली वो बोल देगा मैं तो किसी के खानदान के ऊपर जाऊंगा, वो भी लोग जस्टिफाई कर देंगे। तो मुनावर गाली दे तो वो जस्ट स्लिप ऑफ टंग, कोई और गाली दे तो बाप रे उससे बड़ा पाप और कोई हो नहीं सकता, दैट इज कॉल्ड हिपोक्रेसी। And about, और जैसे पोलमी के वर्ष में क्लास नहीं दिखती फिर ऐसे, अगर आप गालियां की बात करते हो तो वो क्लास फिर गैप हो जाती है ना, तो फिर अगर किसी की क्लास नहीं दिख रही तो फिर हम तो कॉल आउट करेंगे ना, क्योंकि बाकियों की क्लास ही तो दिखानी होती है आपने। तो उस हिसाब से मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट प्लेयर है ऐश्वर्या, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली वही देती है। आज तो उसने कितना अच्छा खेला, चुड़ैल चुड़ैल और क्या क्या डाइन क्या क्या नहीं बोल के, तो सबसे बेस्ट प्लेयर तो इस हिसाब से आज के एपिसोड में ऐश्वर्या हुई। 10 मिनट तक चुड़ैल और डाइन का ड्रामा चलते रहा, सो ये जस्टिफिकेशन चलेगा नहीं। एंड अबाउट मनारा, आई फील एक्चुअली सैड फॉर हर कि वो सबके काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, और फिर उसको ये रीजन देके बोला गया कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा तो लैंग्वेज में चिल्लाना करती है खानजादी, उसको उसने नहीं किया लेकिन रिंकू को कर दिया। एंड वन रीजन व्हाई आई थिंक इज घर वालों को भी पता चल रहा है कि वीकेंड के बारे में देख के कि सलमान एक्चुअली लाइक्स बना रहा, बिग बॉस भी लाइक्स बना रहा, सो इनसिक्योरिटी वो दिख रही है। और इट सीम्स बाहर से आके समर्थ ने भी बोल दिया दैट ऑडियंस इज ऑल्सो लाइकिंग मनारा, सो वो इनसिक्योरिटी, बिकॉज प्लेन ब्लैंक फैक्ट ये है दैट टॉप कंटेस्टेंट्स में जाने के लिए कंटेंडर्स ना नावेद है, ना रिंकू, ना जिग्ना है। तो उनका घर में रहना, जब तक वो लोग काम करेंगे, वो एक अब्रॉड से आया है उसको रखेंगे, और बाकी ये लोग दे आर नॉट थ्रेट फॉर एनी टॉप पोजिशंस। लेकिन मनारा इज सून बिकमिंग ए थ्रेट, चाहे किसी को वो पसंद आए ना आए, क्योंकि एटलीस्ट उसका पॉइंट ऑफ व्यू है और वो गेम भी अच्छे से इवेल्युएट करती है, क्योंकि आज सबसे पहले उसने बोला कि विकी और ऐश्वर्या पक्का नॉमिनेट हुए हैं। सो यस, शी इज नॉट डम्ब, वो क्यूटली बात करती है, शी समटाइम्स प्रिटेंड टू बी डम्ब बट शी इज नॉट डम्ब। कि अगर विकी के बाद कोई सबसे ज्यादा लोगों को समझता है, इवेल्युएट करता है कि नेक्स्ट क्या स्टेप होने वाला है इनका ड्रामा, देन इट्स मनारा एंड देन अंकिता। थैंक यू सो मच, इज दैट हैंड अप समृद्धि? नो, लेट्स गो फॉलो मी। एंड मुझे ये क्लास वाली स्टेटमेंट जो मैंने दी थी उसके ऊपर बोलना है कि मैंने बोला था कि एज एन एक्ट्रेस जो कि कलर्स के पे आते हैं, इतने बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ अपना रिलेशनशिप अपने आप को एक एलिगेंट वे में शोकेस करते हैं, उनसे आई एक्सपेक्ट सम क्लास। जिस तरीके से ऐश्वर्या चिल्लम कर रही थी उसका 1% भी वो क्लास नहीं दिख रहा था। तो मुझे उसमें बोलना था, मुनव्वर
से मैं क्लास नहीं एक्सपेक्ट करती, मुझे पता है मैं किस बंदे से क्या एक्सपेक्ट करूं। मैं ऐसी नहीं हूं कि हाँ मुझे लड़ाइयां पसंद है तो सबने लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं होता गेम। तो मुझे पता है कि मुनव्वर मुझे क्या दे सकता है, मैं उससे लड़ाई झगड़ा क्लास और ये सब ये नहीं एक्सपेक्ट करती। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उसका दिमाग देखना, जहाँ पे वो दिमाग चलाता है वो आज दिखा। उसने पहले ही बोला कि अंकिता नॉमिनेट हुई होगी, जो अर्णव कह रहे थे ना मन्नारा में दिमाग है, कहाँ से दिमाग है, मन्नारा ने बोला विकी, विकी नॉमिनेट हुआ ही नहीं है। तो ये जो दिमाग की चीजें हैं वो मैं मुनव्वर से एक्सपेक्ट करती हूँ, वो दिखाता है। जो जहाँ पे मैं क्लास एक्सपेक्ट करती हूँ वहां पे मैं बोलती हूँ कि हाँ इससे मैंने एक्सपेक्ट किया, मुझे नहीं दिखा। मैंने अंकिता को भी बैश किया इस बात पे कि हाँ वो मुंह बना के क्यों दिखाती है, जबकि वो एक सीनियर एक्ट्रेस है। ऐश्वर्या जिस तरह से अंकिता से बात करती, मैं वो भी अप्रिशिएट नहीं करती। तुम एक शो पुरानी हो, अंकिता इस इंडस्ट्री में बहुत सालों से, तुम्हें एक पर्सन की भी रिस्पेक्ट नहीं है? तुम चल चल चल, ये कोई तरीका है बात करने का? और वो भी तब जब आपके पास कोई, क्योंकि आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो आप क्या करते हो, चलिए छपरी वाली हरकतें होती है। तो ये जो एमसी स्टैंड करता था सही लगता था, लेकिन अगर ये आप करोगे तो मैं नहीं बोलूंगी। अगर ये मुनव्वर करेगा तो भी शायद मैं बोलूंगी कि हाँ भाई तेरे में दिमाग है, तो दिमाग दिखा के आर्ग्यूमेंट कर, तू चल 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 क्यों कर रहा है। तो जहां पे मुझसे, मुझे जिससे जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं बात करूंगी, मैं ये नहीं देखूंगी कि तुमको किससे क्या एक्सपेक्टेशन, और उस हिसाब से नहीं बात करूंगी। बनारस सीधा का कहते हैं व्हाटएवर इट इज, मुनव्वर का निकाब उठ गया आज। थैंक यू फॉर सुपर चैट। हां जी बोलिए समृद्धि। आपने जो सब कहा आई एग्री विद यू, बट आपने जो मनारा को टारगेट किया वो गलत है। मनारा में दिमाग है, मनारा में दिमाग है, इसलिए उसने विक्की का नाम लिया, क्योंकि उसे पता है विक्की सबसे पंगे लेता रहता है, तो प्रोबेबली विक्की नॉमिनेट हुआ होगा। और दूसरी बात, आपने कहा चल 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 छपरी वाला है, तो चल 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 तो पिछले सीजन 16 में भी कोई वर्दी विनर करती थी, आप उसको क्या छपरी कह रही हो? प्रियंका चहर चौधरी का नाम लिया जा रहा है यहाँ पे। Not anymore. हाँ जी बोलिए सांझ। ओके दिमाग वाले मुझे स्टेटमेंट थोड़ी आंधी, दिल तक फेफड़ों तक पता नहीं कहाँ कहाँ लग गई। दो बार चांस बिग बॉस ने मुनव्वर की स्टेटमेंट को लेकर दिया था, ग्रुप बना के हडल करके उसी का दिमाग चल रहा था, वहां से ये नॉमिनेट हुआ होगा, वो हुआ होगा। जब वो रिजेक्ट हो गया तो उसमें एक ओपिनियन जो मनारा का वो नोट कर लिया, और जो इन द एंड फाइनल डिसीजन मुनव्वर लेके बैठा हुआ था उसका दिमाग इतना नहीं चला, वो चीज को नहीं है। और यहाँ है कि हाँ भाई 6 सही दे दिया 1 गलत, इतना ही है ना। तो हर वो चीज एक ऐसी थी वहां पे तुक्का मारना, तो वो ना पे मुनारा का था ना वो मुनव्वर का था। फिर वो आप दिमाग उस टाइम पे मुनव्वर को या फिर क्या नाम उसको मुनारा को भी नहीं बोलो, वो एक तुक्का था। और जो वहां पे जिसका लग जाता तो लग जाता, वो दिमाग नहीं है, दिमाग और चीजों में, जैसे मुनव्वर लास्ट टाइम एंड इट मैं बोल रहा हूँ, वो टास्क आते थे वो टास्क में दिमाग लगाता था। अगर मैं पर्सनैलिटी के ऊपर जाऊँ, क्योंकि मैं हजार बार बोलता हूँ कि शो को देखने का नजरिया मैं पर्सनैलिटी के तौर पर देखता, तो उस वे में मुनव्वर मतलब कभी भी वो ये चीज में जीत नहीं पाएगा इंसानों की जो कहते हैं ना मतलब रिलेशंस या वो, क्योंकि वो यूज करता है, वो रिश्ते नहीं बनाता, वो अपनी गेम के सर्वाइव के लिए सिर्फ बाकियों को यूज करके फिर फेंक देता है। और वही पहले की थी, अभी भी मुझे वही नजर आ रही है, किसी को लेके उसको कुछ नहीं है, वो जब आगे आगे बढ़ेगा काटता जाएगा। रोयोबा यास्मिन कहती हैं कि बिच बोलने पे तो इतना इश्यू नहीं हुआ। That's not true. जब वो हुआ था, अभी जब मनीषा ने बिच बोला था OTT में, उसको उसने सुना था कि उसने बिच बोला, पर ऐसे लैंग्वेज बोला था जी, मनारा का, मनारा ने जो बिच बोला था ना खानजादी को उस पे। अच्छा आज आज नहीं, दो एपिसोड पहले हुआ था। अच्छा दो एपिसोड पहले। सबने गालियां दी इस यार, इस सीजन में सभी गालियां दे रहे हैं। कोई मुझे अगर लगता वो नावेद को उसको ट्रॉफी पकड़ा दो इस हिसाब से, तो वही एक जिसने गालियां नहीं दी है, बाकी सब गालियां दे रहे हैं। अच्छा बट एंडी लोगों की गालियां म्यूट नहीं होती है, सिर्फ मुनव्वर की गालियां म्यूट होती है। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। अगर हराम का पिल्ला बोला है तो वो म्यूट क्यों किया अगर दूसरों? एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अर्णव का पॉइंट बहुत वैलिड है कि वहां तक ये बायसनेस जो बता रहे हैं, इसका मतलब है आप वो भी नहीं दिखाना चाहते जहां पे वो बंदा गंदा लगे। ऐसा क्यों, उसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहां से कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, क्या यो उनको ही जिताना चाहते हैं जैसे अर्णव कह रहे हैं, क्या यही साजिश है, क्या इस सीजन का तेजस्वी प्रकाश बनेगा मुनव्वर फारूकी, क्या ऐसा है? हाँ जी बोलो पन्नी। नहीं वो मनारा बिच को भी म्यूट किया था और मोलेस्ट को भी म्यूट किया था जब मनारा ने बोला है।
नहीं मोलेस को म्यूट नहीं किया था, वो क्लियरली दिखाया गया था, म्यूट किया था उसको, तो बीच में बोल दिया जाता था, बीच में कुछ और म्यूट करते थे, मुझे लगता है वो आर वर्ड को म्यूट कर रहे थे, मुझे पता नहीं क्यों, क्योंकि मोलेस मोलेस को नहीं बोला था, मोलेस तो बोला गया 3-4 बार बोला गया। फॉलो मी। ओके तो जो भी सांज ने बोला कि मुनव्वर का दिमाग कैसे दिखता, वो तो तुक्का था। तो जो हम बात कर रहे थे कि सबने एक एक नाम लिया था, मुनव्वर ने जब नाम लिया था तब उसने अंकिता बोला था, बाकी सब अभिषेक बोल रहे थे, और वोटिंग के आधार पर, क्योंकि वोट्स पे जा रहे थे उनको, दो नाम जो नॉमिनेट भी करना था तब भी वो वोट्स पे जा रहे थे, तो सबने तब मैक्सिमम लोगों ने अभिषेक बोला था, इसलिए अभिषेक का नाम फाइनल हुआ था। मुनव्वर ने तब नाम सोलो में अंकिता का लिया था, पहली बात। दूसरी बात, उसका दिमाग कहाँ पे दिखाई, तो तुक्का था, है ना, दिमाग उसका वहां पे दिखा जब वो बाद में बैठ के ये बात कर रहा था ना कि ये लोग घर वाले सब मुझे नील, ऐश्वर्या और अंकिता ये ऐसे दिखा रहे थे कि हमारे बीच तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉर्ट आउट हो गया है, बट इनके दिल में है तो मुझे इनका दिल पढ़ना चाहिए था, वो दिमाग है, क्योंकि उसको पता है कि एक टेंशन है इनके बीच में, बट ये दिखा नहीं रहे। क्या बोल रही है, एक सेकंड, वहां पे जब वो बैठ के बोल रहा था ना कैमरे के लिए, वो अपना पत्ता साफ कर रहा था कि मेरे से गलती होगी और मैंने अपना पर उसने अंकिता का नाम लिया था। अगर मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके उनके दिल पे परखता तो मुझे मैं सही होता, पर पॉइंट है कि ही वाज नॉट राइट ना। नहीं, उसने पहले वाला जो एंडी जो उसमें बिग बॉस ने करेक्ट किया उस टाइम पे भी मुनव्वर गलत ही था, ऐसा उसने अंकिता का नाम लिया था, ही वाज राइट, उसने नहीं, टीम ने नहीं लिया था, तो वो गलत दो बार हुए हैं, मैंने देखा है वो, पर मैं वहां पर भी कहूंगा कि वो दिल घर से 4 नॉमिनेट है, बाद में बिग बॉस ने करेक्ट कराया था कि उधर से 3 हुए उधर से 4 हुए, तो वो उस टाइम पे दोनों कपल्स को नॉमिनेट करके बैठा हुआ था पहले, अपने जो पहली बार करेक्शन हुई थी, उसके बाद जब सेकंड टाइम बिग बॉस ने बोला एक जब उन्होंने दिल पहली बार उसने सना का नाम लिया था, जब बिग बॉस ने बोला दिल घर से गलत है तब उसने अंकिता का नाम लिया। हाँ, तो मैं आपको पहला गलत था वो, मैंने भी बोला है कि फर्स्ट गलत ही था ना, अभी तुक्का ही तो हुआ, पर दिमाग उसने इसमें दिखा कि उसको पता था कि एक टेंशन है इन दोनों के बीच और मुझे उस गट पे जाना चाहिए था, तो फिर तो वो उसको ये तो पता चल रहा है। पर मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि मुझे सबसे पहले समृद्धि को बोलने देना चाहिए था, मेरे गट में था पर मैंने ऐसा नहीं किया, आई मीन इट कुड बी एनीथिंग ना, लाइक यू कैन जस्ट बाद में तो कुछ भी बोल सकते हो, आई मीन इट डजंट मैटर। एंडी सर मेरा भी एक पॉइंट है, फिर आपका भी, एंडी सर मेरा भी एक पॉइंट है, फिर मेरा भी पॉइंट है, चलो फिर बोलो पॉइंट अपने अपने। मुझे ये जो बात चल रही है ना कि मुनव्वर गलत था या सही था, सबसे पहले ये टीम टास्क था, तो उसकी टीम इतनी बद, और सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि आज ईशा का किसी को पता ही नहीं था कि वो अंकिता को नॉमिनेट करेगी, तो सबको इस तरह था कि वो अंकिता नॉमिनेट होगी ही नहीं, तो ईशा ने इस तरह बदल दिया, ईशा ने अपना दिमाग पता नहीं किस तरह चलाया, हालांकि अंकिता कहीं नहीं जाने वाली, टॉप 5 तो वो है ही है, उसने उसे नॉमिनेट कर दिया, तो एक तरह से वो हो गया, और दूसरा ये टीम सारी एक अलग ही प्रोस्पेक्टिव रखी हुई थी कि इससे है उससे है उससे है, तो फिर ये टीम वर्क था, तो हम सिर्फ मुनव्वर की समझदारी को इस पे नहीं कर सकते, और दूसरा ये जो एक और हमें अर्णव ने अभी समझदार दिया है मुनारा, इस पे मैंने बोलना था, और समृद्धि को भी थोड़ा सा टारगेट कर ही लेते हैं, ये जो मुनारा को समझदार बोला जा रहा है, सॉरी टू से दैट, वो किधर से समझदार है, किधर से कौन सी तरफ से, आज आज तक उसके दिल में कभी भी जिगना के खिलाफ कुछ भी नहीं था, और आज कह रही थी वो कोई मदर फिगर नहीं है, वो कोई ग्रैंड मदर फिगर नहीं है, वो बड़ी चलाक है, बाजी क्या करे वो, अब तुम में दिमाग है ही नहीं है, तो नहीं है, और लोग वो बोल रहे हैं, और तुम क्यूट भी नहीं लग रही, तो ये मैंने दो चीजें बोलनी थी। थैंक यू, इट्स आई थिंक समृद्धि की बारी है। हमजा, आपको टारगेट वापस देने के लिए कि मनारा में दिमाग से दिमाग है, ठीक है, उसने जिगना को अगर बोला तो इसमें क्या बेदिमागी वाली बात कर दी, जिगना है बिल्कुल सीधी नहीं लगती, जिगना जिगना टेढ़ी लगती है, इसमें क्या गलत बात है, टेढ़ी है, केरोसिन है, हाँ, कोला है, कोला आग लगाती है वो बहुत ज्यादा इधर उधर, वो रिंकू बैठे बैठे आगे ही लगाते हैं, मान लेगी जो होते हैं ना। अर्णव बोलो, अर्णव गया, चलो अर्णव गया, मेरी बात है।
मुझे हमजा को बहुत आराम से एक समझाना है। हमजा यहाँ बात ये हो रही थी कि मनारा ने जब वो बात बोली तो पोलमी ने ये बोल दिया कि उसका दिमाग कहाँ है, दिमाग तो वो लगा रहा था, तो उस वे में जवाब दिया गया कि वो अगर वो दिमाग लगाना था तो मुनव्वर भी गलत गया था, तो वहां पे फिर तुक्का ही था वो, उसके ऊपर फिर पोलमी ने ये कह दिया कि उसको पता वहां पे टेंशन उनके बीच में इन बिटवीन वो कपल्स के बीच में या उन घर में टेंशन चल रही है। इस तरीके से तो फिर मनारा को भी पता है ना उनके बीच में भी टेंशन चल रही है, तो फिर अगर मनारा ने एक नाम सजेस्ट कर दिया तो मनारा का दिमाग नहीं है पर मुनव्वर का वहां पे दिमाग नजारा लगा दिया उन्होंने कि हाँ भाई वो बहुत अच्छा खेल के चलेगा। ये चीज से प्रॉब्लम है, या तो फिर दोनों नहीं है या फिर दोनों है, यहाँ तक मुझे बोलना था। ऐसा नहीं कि एंडी सर मेरा भी एक पॉइंट है, आपका भी पॉइंट है। चलो एक सेकंड समृद्धि बनारसी धागा को समझाइए कि इनमें मेंबर कैसे बनना है। एंडी मैंने उनके रिप्लाई के लिए बहुत बड़ा सा रिप्लाई इसका लिख के भेजा था उन्हें कि कैसे बनना है। अच्छा भेजा हुआ है, चलो टेक्निकल टीम ने अपना काम कर दिया है बेसिकली। बनारसी धागा आप अपना मैसेज पढ़ लीजिए, आपके लिए खास मैसेज समृद्धि ने लिखा है। ओके लेट्स सलमान तू चड़ेल What is that? I'm sorry, I'm losing my mind. This happens sometimes. It's that time of the stream, ladies and gentlemen, when we lose our minds. Okay, let's continue. Tu chadel. Mera point tha, sir. Aapka point tha. Nahin, Hamza chadel. Haan, bolo. Maine Samriddhi ko phir se ek bar dobara target karna hai. Munara ke liye. Samajhdari wo nahi hoti jo gusse mein nikle. कि हाँ इसने मुझे नॉमिनेट कर दिया है अब तो ये मदर फिगर नहीं रही। समझदारी वो होती है कि बंदे को पता हो कि ये चुड़ैल है। जिगना जी मुझे भी कोई सीधी नहीं लगती, लेकिन उसने जब खुद को गुस्सा आया, जब उसको लगा कि मुझे नॉमिनेट किया गया तो वो गुस्से में बोली, उसमें समझदारी कहाँ थी? वो गुस्सा था। समझदारी तब होती जब वो ये चीज़ें नॉमिनेशन से पहले करती और लोगों को बताती कि ये बंदी सीधी नहीं है, ये मदर फिगर नहीं है, तो तब वो चीज समझ आती है। अभी तो वो बेवकूफ लगी मुझे, ये मैंने बोलना था। ठीक है, आपको बेवकूफ लगी नो प्रॉब्लम, बट समझदारी ये भी होती है कि अपने मतलब अननेसेसरी सबसे लड़ते ना फिरो। अननेसेसरी पर ये अननेसेसरी कौन डिसाइड करेगा कि क्या अननेसेसरी है? बच्चे पे तो वो लड़ी थी अननेसेसरी है। अरे वो जब अंकिता से उसकी लड़ाई हुई थी। अच्छा चलो ये देखते हैं प्रोमो, अभी शुरू होगा तब देखेंगे, अब शुरू नहीं हो रहा मैं क्या करूं, शुरू हो जाए यार। क्यों इस गंदे बंदे की फोटो पे रो गए, कोई अच्छे से तो दिखा दो। अब मैं क्या करूं? एक सेकंड, लेट्स ट्राई रीबूट इट, कम ऑन। ओके हियर वी गो। आई एम सॉरी टू से बट इस शो में अभी फिलहाल यूट्यूबर्स या इंटरनेट कम्युनिटी जो भी बोलो, इन्होंने कुछ किया कहाँ है जहाँ पे आप खड़े होके कुछ भी इस वक्त बोल रहे हो? कुछ नहीं किया तुम्हारा का एंड मतलब दूसरी चीज है ये मीडिया ही है। नहीं नहीं वैसी बना है ये तो मुझे लगा कि पिछले सीजन में बोल दिया कि मीडिया नहीं लेके आता, तो क्या हर महीने हर हफ्ते लेके आएंगे? सेटअप लग रहा है, सेट वैसा ही बना है टास्क का। हाँ तो क्या करें, अभी कोई डिजाइन डिजाइन तो नहीं करके आए ना। अच्छा गरिमा सोनी इज अ न्यू मेंबर बाय द वे एवरीवन। पर मनारा से फिलहाल तो रिश्ता है मुनव्वर का, अगर आगे डिच करेगा तो तब बोल पाएगी, अभी से कैसे प्रेजिस्ट हो जाएं। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस नो दैट ये मनारा हर्ट हुई है क्योंकि उसने ही उसको ये करा है। क्या किसी को कोई फर्क पड़ रहा है उसकी लाइफ में? जब जिगना आज रोई थी मुझे सेम फीलिंग आई थी, जब आज जिगना जी रोई थी वहां पे, जब कोई सब चिल्ला के बोलते हैं मुझे कुछ नो वन केयर्स, नोबडी, आई हैव नो केयर अबाउट अबाउट जिगना जी क्राइंग। वो रो रही है, वो कुछ बोल रही है, रोटी बेल रही है, कमरे में बैठ के कुछ नहीं कर रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
in the wise words of Ejaz Khan. Yeah. Bark! Andy, right. My turn. Me. You're cutting bird. Andy, Arnav. What? You're cutting no, Andy I didn't right cut now. Andy. Absolutely not. I got disconnected earlier, so I'm back. No, you know, Samriddhi, पता क्या है? उसको लगा कि अगर वो नहीं बोलेगा ना, next उसको बारी नहीं मिलेगी ना, बेचारा, like he's खास, उसका phone overheat हो जाता है, तो बंद हो गया था. Yes, see, it is getting disconnected so many times. What should I do? Get a new phone. Arnav, your turn. Yeah, so ये point हमारे प्यारे हमसा के लिए था कि मनारा अगर बोलती है कि she is not a mother figure तो उसको बेवकूफ नहीं हो जाती है. रियलाइजेशन कई लोगों को जो लोग खुद को मास्टरमाइंड नहीं सोचते हैं, सेन माइंड या नॉर्मल इंसान सोचते हैं, उनको धोखा खाने के बाद ही रियलाइजेशन होता है. और मनारे के साथ यही हुआ. डे वन से अब तक वो जो भी बोलती है रिंकू, वो सुनती है, काम करती है, उसको जब धोखा मिला तब उसको रियलाइजेशन हुआ. एंड दैट्स कम्प्लीटली ह्यूमन नेचर. सो उससे वो बेवकूफ नहीं बन जाती है किसी एंगल से. एंड The next point would be about Anurag. For a second or two, I can even tolerate Munawar, लेकिन मुझे ये अनुराग बिल्कुल भी tolerate नहीं हो रहा. I hope कि किसी तरह से आपसी सहमति करके eviction करके contestants ही इसको बाहर भगा दे. I just can't tolerate him anymore. Interesting. Andy, मुझे बस एक question पूछना. I think polemic का बारी था ना? मुझे अन्ना से पूछना है कोई question. छोटा. अन्ना से पूछ लो, ठीक है. हाँ, मुझे बस ये पूछना है, ये यहाँ पे लाइव होते हुए सुपर चैट भी भेज के क्वेश्चन पूछता रहता है, एक पंखा खरीद ले, तेरा फोन गर्म होना बंद हो जाए उसके लिए. वो क्यों ये नहीं फोन करता? मेरा ब्रांड न्यू है, वो भी बहुत ज्यादा पैसे का, सो आई कांट गेट रिड ऑफ इट एनी टाइम सून. क्या तो फिर चल क्यों नहीं रहा? बिकॉज इट्स सैमसंग. हमारे चैनल पे स्ट्राइक कर दिया कि तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को. बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास प्रूफ भी है. दिस इज माय सेकंड रिप्लेसमेंट फोन इन 3 months. वेरी बैड. यू नो, अगर मुझे सैमसंग थोड़ा से पैसे दे दे तो हम थोड़ा आपकी मशहूरी करने, इससे और मुझे नहीं बात करनी है. Until I get money from them, if you don't mind. हाँ, परिणीति का सॉन्ग इस Andy, one point, sorry, कि ये जबरदस्ती का रिलेशनशिप थोकना is not good. क्या प्यार नहीं यार नहीं सॉन्ग का प्रोमो लगाते हैं, टू मच. तो मुनावर का गर्लफ्रेंड बना के ही रखेंगे मना रखो, ये बिग बॉस वाले शेम. आज एपिसोड में यही दिखाया था जब जिग्नोर रिंकू मनारा और मुनव्वर से बैठ के बात कर रहे थे कि तुम ये फ्लर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो दे वर लेइंग द ग्राउंड वर्क कल के एपिसोड के लिए. वो आज के एपिसोड में अमीना, सॉरी बट प्रोमो मुनव्वर पे नहीं कटा है, प्लीज. मुनव्वर पे नहीं कटा है ये प्रोमो, मनारा पे कटा है. इट्स मनाराज दुख 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 एंड दुख भरी दास्तान, क्योंकि उसकी तरफ से था सब कुछ और उसकी बंद. She is hurt, you know. I mean, जिसको किसको देखना है, and उसको वो ही दिखता है ना. That's what it is. And जिसको हाथ ऐसे खड़े करके रखना है, वो ऐसे खड़े करके रखना है. हाँ, तो बोलो आपको क्या बोलना है. And मुझे बिग बॉस को बोलना है कि बिग बॉस आप तैयार रहिए, जब भी मनारा निकलेगी आप पे एक लीगल केस आने वाला है, क्योंकि परिणीति का गाया हुआ गाना जो आपने मनारा पे चलाया है तो मनारा तो छोड़ेगी नहीं. और दूसरा मुझे बोलना है कि मुनव्वर और मनारा का बिग बॉस कुछ बनाना चाह रहे हैं वो दिख रहा है, बट एक्चुअली कोई इंटरेस्टेड नहीं इन दोनों में से. बट मनारा की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो कुछ करना, क्योंकि थोड़े टाइम पहले जिग्ना जी रिंकू जी ने बोला था चीख चीख के, जब शायद खानजादी या किसी ने ये बात करी थी इनके बारे में कि इनके बीच कुछ है, एक रोमांटिक सा वाइब चल रहा है, तब रिंकू जी ने ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोला था मैं उस घर में रहती हूँ, मुझे नहीं पता चलेगा क्या, मैंने कभी ये बात नहीं की जब वीकेंड का बार पे इस बारे में बात हुई थी. तो मुझे लगता है कि बिग बॉस शायद इस चीज को पुश करना चाहते हैं, बट वो पता नहीं क्या चाहते, वो लोगों को कमेंट करने पे भी वीकेंड का बार पे सलमान टोक देते अगर कोई कमेंट करे तो आपको चाहिए या नहीं आप पहले क्लियर कर लो. और ऊपर से वो मुनव्वर ने सब कुछ अपना क्लैरिफाई कर दिया, फिर भी मनारा थोड़ी थोड़ी चीजें बोलती रहती है कि मैं कॉफी डेट पे नहीं जाऊंगी या मैं चाय, पता नहीं. अरे तू ना मनारा का भजन बंद कर, ठीक है.
अगर वो नहीं जाना चाहती कॉफी डेट पे तुझे क्या, अगर वो चाय वाली डेट पे जाना चाहती, अगर वो ज्वाइन करेगा उसको या फिर उसके पीछा करेगा तुम्हें क्या? तुमने कॉफी डेट वर्ड सुन लिया, तुमने कॉफी डेट वर्ड सुन लिया, उसके आगे का पूरा जोक नहीं सुना? ओ माय गॉड, कॉफी डेट मरीन ड्राइव पे जाके वो चाय पीती है, वो भी कड़क तुमसे डर के वो लोगों ने अच्छा फोन दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, क्या तेरे से डरता ही नहीं, काले कौए से डरियो। I am हाँ, तो let's continue. तो क्या ऐसा क्या हो गया है, मतलब आप अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हमें? What's happening? Should we have a session on that? GoFundMe करना पड़ेगा मुझे लगता है अर्णव के लिए। क्यों? No, he's very rich. He doesn't need any money from anyone. देखो कैसा है वो, नहीं वो जेलस कर रहा है, एंडी तुम्हारा नुकसान है, वो जेलस है, तुम उसकी मत सुपर चैट लेने की, इसका चेहरा देखना है। मगैम्बो कहते हैं अर्णव फोन भी लाइक हाय गर्मी। मनीष का जोक इज वेरी सैड, बट हमें सुनना पड़ेगा थोड़ा। मुनव्वर्स फेवरेट कॉफी शॉप कैफे टट्टे। ओह माय गॉड, यू नो जस्ट एज अ जोक, फ्रांस जाके ये कॉफी शॉप खोलनी चाहिए। ओह आई केम फ्रॉम कैफे टट्टे। And in some country, they make sure that the coffee bean comes out of the cat's shit and they make it. फार्म में जाके आया हूँ, मुझे पता है। Thanks. और वो कॉफी बड़ी स्वादिष्ट होती है, पता है? Very nice. Because वो बॉडी का वो उसके अब्सॉर्ब कर लेते हैं ना, जब तक कॉफी बीन अंदर होती है तो आपके बॉडी के जूसेस अब्सॉर्ब कर लेती है अंदर ही अंदर, एसिड उसका रिएक्ट कर जाता है उस कॉफी बीन के साथ। ये लो, साइंटिस्ट ने आपको साइंस भी बता दिया। देखो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, सजेशन, ट्राई और साइंस, सब कुछ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। देखो अभी हम थोड़ा लंबा खींच रहे हैं इसको, पर अभी हम इसको छोटा कर देते हैं, जैसे सांझ का है छोटा। तो पॉइंट पॉइंट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप भी वीडियो का लंबा चलेगा, ये लॉन्ग, आई लव यू लॉन्ग टाइम। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू। थैंक यू टू ऑल द न्यू मेंबर्स टुडे, वी हैव सो मेनी न्यू मेंबर्स एंड सो मेनी न्यू सब्सक्राइबर्स एंड सो मेनी पीपल हु लाइक द stream, thank you so much, I super appreciate it. Let's make an amazing channel for everyone to do some amazing stuff on. Come on guys, keep subscribing and keep liking and saying bye now to the Chugli Gang. Chugli Gang, say bye. Bye. And I'll bye, everyone.